आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और परिचर्चा का जो विषय है वो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कुछ कंट्रोवर्शियल सा, कुछ चुभने वाला और कुछ परेशान करने वाला ये विषय है। और ये कंट्रोवर्शियल और परेशानी ये दोनों पक्षों की ओर से है, हो सकती है, चाहे वो संस्कृतज्ञ हों तो उनकी ओर से भी ये परेशानी हो सकती है कि वे किसी को आप ऋषि कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ऋषि जो हो चुके हैं बस उसके बाद तो कभी कोई ऋषि हुए नहीं या हो नहीं सकते, एक पक्ष उनका हो सकता है। दूसरी तरफ जो डार्विन, फ्रायड और मार्क्स के संप्रदाय के अनुगामी लोग हैं या उनके मतानुयायी हैं, उनको ये तकलीफ हो सकती है कि संस्कृत के लोग ऐसे विषय पे कैसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका अधिकार है कि वो दूसरों की आलोचना करें, दूसरों के जड़ों को उखाड़ दें, तो उनके ऊपर कोई चर्चा कैसे कर सकता है। तो चर्चा करने का अधिकार उनका है, उनको भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन उन दोनों का जो भी पक्ष रहा हो तो हमारा अपना पक्ष क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं आप लोगों के साथ अगले 10 मिनट में, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अभिभाषण से पूर्व स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं क्या? मेरी आवाज भी क्लियर है क्या? जनरल सर मेरी आवाज ओके, बीच में मैसेज आया हुआ था। तो ये कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ लगभग अगले 10 मिनट में, मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व भूमिका के रूप में, और हमारे मन में क्या है और उसके आगे की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए उसके बारे में फिर वो चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम जब इस बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि इस तीनों अवर ऋषियों की, अवर ऋषि का मतलब लेटर पीरियड में जो ऋषि हैं, उनके जो उनमें से ये जो तीन ऋषि हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई करते हैं जो ऋषि के गुण धर्म होते हैं, तो इसलिए उनकी संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा जो है वो कैसे होगी और क्या उससे अभिप्राय है और क्यों आवश्यक है, मैं इन तीनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि मैं जब संस्कृत शास्त्र मीमांसा की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास अपने अस्त्र शस्त्र क्या हैं जिसके आधार पर मैं मीमांसा करूंगा। मेरे अपने ग्राउंड्स जो हैं, मेरे अपने पैराडाइम्स जो हैं, वो सबसे पहला पैराडाइम है वेद, जिसका मतलब होता है कल्चर ऑफ नोइंग एंड नॉलेज। अगर कोई पुस्तक ही समझता है, इसको ग्रंथ ही समझता है तो ये उसकी सद्बुद्धि है, लेकिन मेरे लिए वेद शब्द जो है वो एक आदेश रूप में है, क्रियावाची शब्द है जिसका मतलब है कल्चर ऑफ नोइंग। दूसरा शब्द जो है वो है यज्ञ शब्द, जिसके आधार पर इनकी मैं समालोचना करने को प्रस्तुत होऊंगा, वो है यज्ञ, जिसका मतलब होता है पार्टिसिपेशन, कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो मेरी संस्कृति जो है वो आपको मैंने दो उसमें पैराडाइम्स अपने कल्चर के दे दिए हैं कि कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन, क्योंकि यज्ञ बिना पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकता, और उसके कितने अर्थ हो सकते हैं वो फिर जब हम इकोनॉमिक्स और बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे उन सबको हम स्पष्ट करेंगे। तीसरा जो पैराडाइम है वो है योग, जिसके आधार पर हम इनका विश्लेषण करेंगे, जिसका मतलब होता है कि जो आपने अचीव नहीं किया उसको अचीव कर लेना, अप्राप्त से प्राप्तम जिसे कहते हैं। तो सोसाइटी में जो कुछ नहीं है या व्यक्ति के पास जो कुछ नहीं है उसको प्राप्त करना योग है। और चौथा और अंतिम पैराडाइम जो है वो है पुराण, जिसका मतलब है कल्चर ऑफ रिविजन एंड रिन्यूइंग। पुराण भी कोई ऐसी पुस्तक नहीं है सिर्फ, उसके पीछे की जो संस्कृति है, इथॉस है, वो कल्चर ऑफ रिविजन एंड रिन्यूइंग है, कि नॉलेज में जो एक एक रुकावट जो आ जाती है, उसमें जो एक बंधन बन जाता है, जो मल आ जाता है, उसका उसको साफ करके पुनः उसमें अग्रसरता, ये पुराण होता है। अब इसके आधार पर हम इन चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रायड और कार्ल मार्क्स की बात करने जा रहे हैं, और आप तीनों में एक कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन बात देखेंगे। हालांकि जब आप
इनकी कॉमनलिटी की बात करते हैं तो वैचारिक स्तर पे करते हैं, लेकिन एक और जो कॉमनलिटी जिसके बारे में सारे के सारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो बचती है, वो है कि तीनों के तीनों ज्यूज हैं। एक चौथे जो क्या है उनका नाम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने दी, आइंस्टाइन, वो भी ज्यू है। तो इस दृष्टि से भी इस बात को भी हम ध्यान में रखें कि ज्यूज की कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इस आधुनिक विश्व को परिभाषित करने में है। लेकिन जब मैं इन चार पैराडाइम्स के साथ साथ ये देखता हूं कि मेरे पास तो पुरुषार्थ चतुष्टय भी है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष और उसके साथ साथ एषणात्रय, ये शब्द ध्यान रखिएगा, जिसमें पुत्र एषणा, वित्त एषणा और लोक एषणा, यानी कि यश प्राप्ति, प्रोजनी और वित्त जो है वो आपके धन संपदा आदि है। तो कुल मिलाकर के संस्कृतज्ञ की दृष्टि से या संस्कृतज्ञों की दृष्टि से या शास्त्रों की दृष्टि से आपके पास ये पैराडाइम्स है जिनके आधार पर आप इनका मूल्यांकन विश्लेषण करेंगे। अब ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि कई बार क्या होता है इतिहास में, महताम प्रज्ञापराधात् प्रदानम अधर्म प्रवृत्ति, जिस वजह से ये चर्चा हमें करनी है कि कई बार बड़े लोगों के जो प्रज्ञा अपराध होते हैं, ज्ञान पूर्ण जो अपराध होते हैं, उससे क्या होती है, प्रजा की अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। अधर्म का मतलब ये नॉन रिलीजियस उस अर्थ में नहीं है, अधर्म के है कि जो उनकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए थी वेलबींग में, वो वेलबींग में ना होकर के वो हिंसा में, वॉयलेंस में या और बहुत तरह से हो जाती है। और ये बात भी हम जानते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये भी बताया गया है कि ज्ञान गलत नहीं होता, केवल उसके ज्ञान की प्रवृत्ति गलत हो जाती है, कि आप ज्ञान का प्रयोग ही गलत करना शुरू कर देते हैं, कि ज्ञान था तो वेलबींग के लिए, लेकिन आप उसको सर्वाइवल के लिए ही प्रयोग करना शुरू कर दें तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो हिंसा को ही वो जन्म देती है। तो इसलिए हमारे सामने जो प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है, कि लोक चित्त का निर्माण इन तीनों ऋषियों ने, अवर ऋषियों ने लोक चित्त का निर्माण एवं शांति से लोक मंगल या लोक कल्याण तक की यात्रा में क्या, कैसा और कितना इनका योगदान रहा है। तो हमारा मूल संस्कृत की दृष्टि से ये प्रश्न है कि कल्याण में इन लोगों का क्या योगदान रहा है। और इस बात को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ, विश्लेषण पूर्वक बताना चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृत की अपनी एक परंपरा है और वो परंपरा किस पे आधारित है, तर्क नामक ऋषि पर आधारित है। जिन लोगों को लगता है कि संस्कृत की परंपरा विश्वास वाली है तो मुझे लगता है कि उनको जड़ता से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमें तर्क नामक ऋषि दिया गया है हम मनुष्यों को, जिसके आधार पर हमें अपने ज्ञान को अग्रसर करना होता है। अब देखिए, संस्कृत की परंपरा में आप कैसे मीमांसा करते हैं, मीमांसा के लिए आपको सबसे पहले विषय पता होना चाहिए, और हमारा विषय यही है जिसकी मैं चर्चा पहले कराया हूं, कि इन तीनों विचारकों ने आधुनिकता को अपनी अवधारणाओं, सिद्धांतों और व्याख्याओं से परिभाषित एवं प्रभावित किया है, और वो कैसे किया है ये जानना है। अब इसमें डाउट क्या आता है, संशय। सेकंड स्टेप पे हमारी जो मीमांसा करने का तरीका है वो है कि जो कुछ इन्होंने ज्ञान दिया है क्या वो अंतिम और व्यापक सत्य है, क्या वह लोक कल्याण का निश्चित मार्ग है, और क्या उनका मार्ग जिज्ञासा से सौंदर्य परक जीवन की ओर अग्रसर करता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ते जाइए साथ में, और कुछ चीजें मैं बोल दूंगा ताकि हमारा समय बच जाए। तो ये कुछ एक प्रश्न हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा, और इनके सिद्धांत, एक तो और आखिरी बात मैं पढ़ देता हूं कि इनके सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम क्या सुरक्षित रखना चाहते हैं मनुष्यता के लिए, कब तक और किसके लिए। तो इस प्रकार के अनेक संशय हैं जिनके बारे में, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें इनका विश्लेषण करना है। अब जब आप मीमांसा करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको पूर्व पक्ष पता होना चाहिए कि इन तीनों का अपना आइडिया क्या है, अपनी जो इन्होंने स्थापनाएं हैं वो क्या है। तो जब आप ब्रीफली इनको देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये प्राइमोर्डियल हंगर और फियर से ऊपर नहीं जाते, चाहे वो मार्क्स हैं, चाहे वो फ्राइड हैं, चाहे वो डार्विन हैं, और वो सर्वाइवल के ही दो पक्ष हैं। और दूसरा, जो आप इसको देखना चाहें तो इनका सबसे ज्यादा जोर किस चीज के ऊपर है, एम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लक्स ऑफ चेंज, दो बातों के ऊपर सबसे अधिक बल है। और तीसरा एक पक्ष और है जिसको कहते हैं भोग और प्रभुता,
जो प्रभाव हमें दिखाई देता है कि अगर आपने नेचुरल जो सिलेक्शन है तो उसमें अगर आपने सर्वाइव करना है, उसके अनुकूल बनना है, तो आपके पास अधिक से अधिक उपभोग के साधन होने चाहिए। भोग का मतलब, और प्रभुता का मतलब है कि मैं दूसरों से अपने को श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करूंगा उन भोगों के द्वारा, उन साधनों के द्वारा, ये इसका दूसरा पक्ष है। अब इसके बाद सिद्धांत पक्ष, या जिसे उत्तर पक्ष आप कहते हैं, वो हमारा पक्ष है कि हम उसके आधार पर इनके पूर्व पक्ष को कैसे देखते हैं। तो पूर्व पक्ष क्या है कि सबसे पहले, जैसे मैं बता ही आया हूं कि हमारे पास पुरुषार्थ चतुष्टय है, ईर्ष्णा त्रय है, और सबसे बड़ी बात है कि सेंस ऑफ इंक्वायरी टू एस्थेटिक लाइफ वैल्यूज है। ये भारत में सर्वाइवल का प्रश्न कभी भी नहीं रहा। आप किसी भी शास्त्र में नहीं देखेंगे कि सर्वाइवल को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हो। जब भी प्रश्न रहे हैं वो इंक्वायरी से शुरू होते हैं, इसलिए आपको प्रश्नों की परंपरा दिखाई देती है। और वो परंपरा किधर की ओर लेके जाती है? एक सौंदर्यपूर्ण जीवन जीने में। तो ये उत्तर पक्ष को हम ध्यान में रखते हुए इनका विश्लेषण करेंगे। अब ये करने की जरूरत ही क्या है? हम सभी अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने भोगों को भोगते हुए आराम से रह सकते थे, लेकिन जो प्रयोजन है वो है लोक चित्त के निर्माण एवं शांति से लोक मंगल या कल्याण तक की यात्रा में क्या और कैसा कितना योगदान है, ये बात मैंने पहले बता दी है। तो ये प्रयोजन है जानने का। और फिर संगति, इसकी रेलेवेंस या निष्कर्ष जिसे आप कहते हैं, वो क्या है कि हमें ये देखना है कि क्या इन्होंने, जो इनका प्रभाव रहा है, उसके ये तीन मुख्य बातें आपको ध्यान में देनी होंगी, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, मॉडर्निटी कहते हैं, वो तीन चीजों से डिफाइन होती है। एक, प्राचीन मूल्यों के प्रति मोहभंग, ये इनका प्रभाव निष्कर्ष रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो हमें मिलता है वो है भविष्य के प्रति त्रास, भविष्य के प्रति भय कि पता नहीं कल क्या होने जा रहा है, इसलिए आज ही इकट्ठा कर लो जितना कमा सकते हो। तीसरा जो पक्ष है वो है आत्माभिज्ञान, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए छटपटाहट कि मैं क्या हूं, मुझे अपने को जानना है। तो इस तरह से ये जो ऋषि त्रय हैं वो मनुष्यता को विकास, यौनाभीप्साओं और अर्थोत्सुक्य के वर्ग संघर्ष से उन मार्ग परक बना दिया है जिसको रोकना या समझना, समझाना सुकर नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारी संगति तो लगभग यहां तक पहुंचती है, लेकिन बाकी आप लोग इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इस सारी बात को अग्रसर करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान, सहृदय विद्वान हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में है, उपस्थित हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं, और वो उन्होंने विभिन्न पदों पे कार्य किया है। डीन रिसर्च रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल पंजाब, एंड डायरेक्टर पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ वो फॉर्मर कोऑर्डिनेटर नेशनल विंटर स्कूल ऑफ अर्थायाम IIAS शिमला के, और इसके साथ उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो उनके आप वक्तव्य के विस्तार में जाकर के देखेंगे कि किस तरह से वो इन सब बातों को आर्गू करते हैं और किस तरह से विषय का विस्तार करते हैं। तो इससे पूर्व मैं उनको बुलाऊं, कुछ बातें मैं एक दो बातें और आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं और फिर उनके बाद उनको आमंत्रित करता हूं। देखिए, जब मैं इस तरह का साहस कर रहा हूं कि इनको ऋषि भी कहना है और इनकी मीमांसा भी करनी है, तो उसके लिए मेरी परंपरा मुझे ये कहती है कि व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रमो स्थिति ही त्रयो ही रक्षितो लोक प्रसीदति न सीदति, कि मेरी परंपरा लोक के बारे में ये कहती है कि जो आर्य मर्यादा में रहते हैं और जिन्होंने वर्ण आश्रम की स्थिति को, जिनकी, इन तीनों की जिन्होंने रक्षा की है, ऐसा जो लोक होता है वो प्रसिद्धति, वो प्रसन्न रहता है, उस वहां वेलबींग रहती है, न सीधति, वहां दुख नहीं होता। तो लेकिन जब इन लोगों को मैं देखता हूं तो सबसे पहले जो मेरे बात ध्यान में आती है वो इनकी प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शंस, फिर उसके बाद मूविंग कॉन्ट्राडिक्शंस और डेंजरस कॉन्ट्राडिक्शंस, लेकिन इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अगर समय होगा। और एक जो मैं ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, विलियम गोल्डिंग की, जो कि नोबेल लॉरिएट रहे हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नॉवल के लिए, उन्होंने क्या लिखा है, मार्क्स, डार्विन एंड फ्रायड वर द थ्री मोस्ट क्रैशिंग बोर्स
ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये तो वेस्ट के ही लोग उनको कह रहे हैं, सिंपलिस्टिक पॉपुलराइजेशन ऑफ देयर आइडियाज हैज थ्रस्ट अवर वर्ल्ड इनटू द मेंटल स्ट्रेट जैकेट फ्रॉम विच वी कैन ओनली एस्केप बाय द मोस्ट एनार्किक वायलेंस। ये उनकी राय है, ये इनकी ओपिनियन है, लेकिन हमारी तरफ से क्या है, हम उनको कैसे देखते हैं। और इसके साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस पंक्तियों के बाद कि देखिए, इनको ऋषियों में भी बहुत सारे ऐसे कुछ बातें रही हैं जिसकी वजह से ऋषियों की मीमांसा करना अपेक्षित हो जाता है, कुछ अवर ऋषियों की, जिनमें से एक ऋषि का नाम था शुंग ऋषि, यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हैं। इन ऋषि ने क्या किया था, और ये कथा आपको जो है वो त्रिपुरा रहस्य के ज्ञानखंड में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, और बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी संक्षिप्त सी। अपने मित्र के वहां आश्रम में जाते हैं, और वो आश्रम से जो उनके मित्र हैं, गुरु हैं, वो छुट्टी पर कहीं जाते हैं, तो उसके पीछे से ऋषि शुंग जो हैं वो उनके छात्रों को ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं कि सारे के सारे छात्र जो हैं वो विद्या के प्रति उनकी अरुचि हो जाती है, और उच्छृंखल भाव से वो जीने के लिए वो वहां से पलायन कर जाते हैं। और जब उनके मित्र वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारा आश्रम खाली पड़ा है, तो ऋषि शुंग जो है उन्हें बताते हैं कि मैंने उनको ऐसी तर्क विद्या सिखा दी है कि वो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, और उनमें कोई आस्था नहीं रही, और वो सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं, वो अपना खुद ध्यान रख लेंगे। तो इसी तरह से इन तीनों की स्थिति हमें कई बार दिखाई देती है, लेकिन वस्तु स्थिति को आप लोग हम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो ऑल्दो ईच ऑफ देम केम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, डार्विन फ्रॉम ऑफ बायोलॉजी, मार्क्स ऑफ फिलोसफी एंड फ्रॉइड ऑफ साइकोलॉजी, दे आर थ्री ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इन हिस्ट्री। ए लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंसेप्शंस ऑफ वर्ल्ड एंड अवर आइडियाज कम फ्रॉम देयर वर्क। डार्विन, मार्क्स एंड फ्रॉइड वर अबव ऑल थ्योरिस्ट ऑफ कंफ्लिक्ट, डायनेमिज्म एंड चेंज। ये कुल मिलाकर के एक तरह का निष्कर्ष जो मुझे समझ में आया, ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, लेकिन मैं इससे अधिक आगे अभी नहीं कहना चाहता, हालांकि विषय है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये कुछ एक प्रश्न थे, और ये एक स्केल डेवलप किया था 1 to 16 के स्केल पर, कि आप इन तीनों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जान सकते हैं, और ये इनसे हमारे प्रश्न भी हैं, लेकिन मैं इनमें अभी नहीं जा रहा, लेकिन केवल आपको दिखा रहा हूं, और वो बाद में हम चर्चा करेंगे मुख्य वक्ता के वक्तव्य के बाद। ये इनका सबका विश्लेषण है, लेकिन इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे। केवल एक बात बता करके कि इस विषय को जब मैंने प्रेषित किया था, साझा किया था, तो उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों ने बड़ी प्रतिसंवेदन जो है हमारे साथ साझे किए थे, जिसमें से डॉक्टर रवि शर्मा जो कि कैलिफोर्निया से है, उनके कुछ प्रतिसंवेदन हमें उपलब्ध हुए थे। उसके बाद डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी, इनके प्रतिसंवेदन हमें उपलब्ध हुए, और इसके साथ डॉक्टर सुनील मिश्रा जो गुड़गांव अमेठी यूनिवर्सिटी से हैं, उसके अतिरिक्त डॉक्टर रूपिका शर्मा जलंधर से, उनके कुछ प्रतिसंवेदन हमें प्राप्त हुए, लेकिन उसमें मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। उन सबको मैं आप लोगों के साथ बाद में साझा करूंगा और शेयर कर दूंगा, जब आप लोगों के साथ इसका जिस्ट जो है वो शेयर करूंगा, डिटेल्स जब आप लोगों के साथ साझी करूंगा वेबिनार के बाद, तो आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो समय को ज्यादा न लेते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी को, कि वो हमारे साथ आज के इस सारे वक्तव्य को कैसे हम समझें, कैसे अप्रोच करें, और इसके कौन कौन से आयाम हैं, वो इन सब विषयों के ऊपर लगभग अगले 40-45 मिनट इन सारे विषयों की एक आउटलाइन दें, क्योंकि ये विषय अपने आप में एक एक इतना व्यापक है कि पूरा पूरा उसके लिए समय चाहिए, लेकिन ये एक आउटलाइंस है जिसके ऊपर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ चर्चा आरंभ करें। प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, जी सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को प्रणाम, और यह मुझे आमंत्रित करने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार आशुतोष जी। आप मुझे इस तरीके का, मेरा सौभाग्य होता है जब जब आप मुझे आमंत्रित करते हैं कुछ अपने विचारों को साझा करने के लिए। आज गुरु हरगोविंद जी की जयंती भी है, और एक
महामुनि एक ऋषि कबीरदास जी की भी जयंती है, ये संयोग है। और ये आषाढ़ का मास है तो इसी में व्यास पूर्णिमा भी होती है हमारे यहाँ, जो गुरु पूर्णिमा कही जाती है। और इनका अपना महत्व है कि ये हमारी काल बोध को रेखांकित करता है कि कैसे ऋग्वेद के नासदी सूक्त से चलकर और गुरु हरगोविंद जी की दृष्टि और दर्शन में किस प्रकार से मीरी और पीरी दोनों प्रतिफलित होते हैं। ये देखिए आप कि ये अद्भुत संयोग है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो पश्चिम से वो कितनी भिन्न है, और चूंकि यह सनातन परंपरा है जो अविच्छिन्न रहती है, और उनकी विच्छिन्न परंपराएं हैं, उनके यहाँ सबसे बड़ा जो केंद्र है उनकी ज्ञान परंपरा में वह है विच्छिन्नता, विखंडनता और भेदता, जिसे हम कहते हैं ना भेद, विखंडन और बिखराव और संघर्ष। ये चार मूल उनके जो 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 उपकेंद्र कहे जा सकते हैं उनकी पूरी ज्ञान परंपरा में, कि बिना भेद के, बिना संघर्ष के और बिना बिना एक तरीके से आत्मसात किए हुए जो अदर है, जो जो अन्य है, उस अन्य को या तो उस अन्य का वध करके या उस अन्य को संश्लेषित करके अपने में समाहित करके। तो ये जो एक एक एक, एक जिसे आप कहते हैं कि एक सृष्टि दर्शन है, उनका भी सृष्टि दर्शन है, और उस सृष्टि दर्शन में जहाँ के अनवरत संघर्ष है, अनवरत शोषण है, अनवरत हिंसा है, वह एक प्रकार का मत्स्य न्याय परक एक 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 दृष्टि है, जीवन दृष्टि है। उस जीवन दृष्टि के ये तीन जिनको आप ऋषि कहना चाहते हैं, हालांकि मैं इसमें कह रहा हूँ कि ऋषि के जो मूल अर्थ हैं उनमें वो फिट नहीं, क्योंकि मूल ऋषि प्रत्यय के लिए पुण्यात्मा होना बहुत आवश्यक है, विद्वान होना आवश्यक नहीं है। इसलिए कबीर ऋषि हो सकते हैं, कबीर विद्वान नहीं हो सकते हैं। यह मार्क्स विद्वान हो सकते हैं, मार्क्स ना पुण्यात्मा हो सकते हैं, ना डार्विन पुण्यात्मा हो सकते हैं, और न ही फ्रॉइड पुण्यात्मा हो सकते हैं। वो लोग विद्वान थे और उन्होंने अपनी ज्ञान परंपरा में विद्वता के नए नए मानदंड स्थापित किए, क्योंकि जिस प्रकार की संस्कृति से वो जीवन दृष्टि निकलती है वह उस जीवन दृष्टि के बहुत बड़े पुरोधा थे, इसको मानने में हमें वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनसे ही हम अपने जीवन दृष्टि का श्री गणेश क्यों करें, और हम आज बाध्य हैं यह कहने के लिए कि चूंकि वो भी ऋषि थे और हमारे यहाँ भी ऋषि थे, और आशुतोष जी की जो अपनी तत्व मीमांसा है उसके बाद कोई विशेष व्याख्यान की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह इतनी उसमें इतनी पूर्णता है, अगर पूर्णत्व तो नहीं भी है लेकिन उसमें पूर्णता का इतना भाव है कि उसके किसी एक बिंदु को आप पकड़ लीजिए और आपको तत्व पता चल जाएगा कि भिन्नता कहाँ है, ये जीवन दृष्टि का भेद कहाँ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि न वहाँ गुरु हो हरगोविंद जी हो सकते हैं, है ना, और न वहाँ कबीरदास जी हो सकते हैं जिनकी आज जयंती है, जिस जो द्वैत में ही अद्वैत देखते थे और जो अद्वैत में भी द्वैत देखते थे, ऐसी जो जिसकी दृष्टि हो, ऐसा जिसका जीवन दर्शन हो, ऐसा जिसका जो काल से कालातीत होना और कालातीत होते हुए भी काल का बोध रखना, ऐसी जीवन दृष्टि हमारी ज्ञान परंपरा में है। हमारी जो इतिहास का बोध है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्क्स, फ्रॉइड और डार्विन, ये उनके जो हिस्ट्री कॉन्शियसनेस है जिसे आप उनका काल बोध कहते हैं, काल और हिस्ट्री एक नहीं है, ना इतिहास और हिस्ट्री एक है, लेकिन उनका जो हिस्ट्री कॉन्शियसनेस है, इतिहास बोध है उनका, उसमें ये मुख्य, ये उनके, या आप समझ सकते हैं कि ये उनके पिलर्स हैं। और पश्चिम में भी इन तीनों स्तंभों का पूरम पूर विरोध हुआ। मैं आपको, क्योंकि समय नहीं है और समय इतना कम है कि मैं आशुतोष जी से कह रहा था कि आप मुझे यह एक वैमर्शिक खो खो खेलने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं कि मैं किसी पर भी रुकूं तो समय निकल जाएगा, क्योंकि मैं मानव हूं और बहुत ही अज्ञानी हूं, तो किसी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है। मैं आपको कुछ कुछ तत्व, कुछ बिंदु बता रहा हूं बस, जिन बिंदुओं पर आप, पहली बात तो ये कि मुख्य बात क्या है जो हमें उनसे अलग करती है, मुझे आप पूरे पाश्चात्य दर्शन में, पूरे पाश्चात्य जिसमें के
डार्विन, मार्क्स और फ्रॉयड, ये तीनों एक दूसरे में अंतर्निहित हैं, इनकी इनकी अंतरपाठीयता होती है, और यह पूरे विश्व का जो मानविकी का दर्शन है, जिसमें आशुतोष जी प्रोफेसर रहे हैं, हमारे बहुत से प्रोफेसर मित्र भी यहाँ होंगे, पूरी विश्व की जो मानविकी, ह्यूमैनिटीज जिसे कहते हैं, या साहित्यिक विमर्श है, उसके केंद्र में इनसे परे ये इनका ऐसा सर्वग्रासी मानविकी का विमर्श है, ह्यूमैनिटीज का विमर्श है, जिसमें इन्होंने सर्वग्रासी होते हुए विश्व की समस्त ज्ञान परंपराओं को यह कहाँ ले गए, यह पदपाठ पे ले गए, यह फुटनोट पे ले गए, और इन्हीं का, इसीलिए मुझे थोड़ा सा बहुत ही दुख लगता है जब हम प्रारंभ करते हैं पश्चिम की ज्ञान परंपरा पे और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम की ज्ञान परंपरा में जो ये श्रेष्ठ ऋषि हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ ऋषि हमारे यहाँ थे। तो पहली बात ये कि मुझे आप ये बताइए कि धर्माणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रतिष्ठते, क्या ऐसी इतिहास की कोई अवधारणा है वहां? और यह ऐतिहासिक साक्ष्य है, हमारे यहाँ इसी को इतिहास कहा गया। हमारे यहाँ इतिहास सिर्फ एक इम्पिरिकल नैरेटिव, जो उनके यहाँ माना गया कि एक ऐसा नैरेटिव जो इम्पिरिकली प्रूवेबल हो, सिर्फ वही हिस्ट्री बनती है। और यहाँ पर भी फिर आप जाइए, हिस्ट्री जो शब्द आया है वह संस्कृत से आया है। कितने लोगों ने यह चर्चा की है कि हिस्ट्री आपके, आपका जो मूल धातु है वेद, वेद से विटोर बना, WIDTOR, विटोर से हिस्टर बना, ध्यान रहे विटोर से ही विदुर बना, उनके यहाँ विटोर का मतलब लैटिन में होता है नॉलेजेबल, और वेद WEID वेद, ये इंडो यूरोपियन रूट है जो संस्कृत की वेद का रूपांतरण है। वेद का अर्थ होता है टू नो एंड टू सी। ये मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इवन हमें तो हिस्ट्री टर्म से भी परहेज नहीं है, प्रोवाइडेड यू नो वॉट यू सी एंड यू सी वॉट यू नो। So knowing and seeing and telling go together in our tradition. And जैसे मैंने आपको बताया, धर्मार्थ काम मोक्षणा पूरी तरह से absent है पाश्चात्य जो history की tradition है, और विक्टर से बना हिस्टर French में, और हिस्टर से बना हिस्ट्वा, और हिस्ट्वा से बना story और history। ये मैंने आपको ये नैरुक्तिक etymological journey बताई, एक नैरुक्तिक यात्रा बताई है जो history, जिस history को उन्होंने पूरी तरह से भौतिकता से, जिसे उन्होंने आधी भौतिकता से जोड़ा, उन्होंने कहा कि यह इतिहास जो है वो मेटीरियलिस्टिक है, वो भौतिकतावादी है, और इसलिए फ्रॉयड और मार्क्स और डार्विन, ये तीनों के तीनों एक तरीके से इन जो ईश्वर तत्व है, जो परम तत्व है, उसके अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह अनीश्वरवादी ठहरते हैं। इसलिए ये मूल भेद यह है कि यह साक्षात भौतिकता में ही यह संपूर्णता का दर्शन इन्होंने प्रस्तुत किया, और उस प्रस्तुत करने में भी यह ध्यान रहे, धर्म एवं, इनके यहाँ धर्म नहीं है, धर्म विमुखता नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति उदासीनता है। इसलिए इन तीनों ऋषियों ने, यह ध्यान रहे कि इन तीनों ऋषियों ने आकर पूरी प्रकृति को, इस पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना, उसका शोषण करना, उसका दोहन करना, और मानव को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, मानव बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, इस पर ये तीनों एक हैं। आप ध्यान रहे कि मार्क्स को डार्विन पढ़ते थे और डार्विन को मार्क्स पढ़ते थे, समकालीन है आप देखिए। और जो फ्रॉयड हैं, जो 20th सेंचुरी में 1939 में जिनका अवसान होता है, फ्रॉयड ने दोनों को पढ़ा, मार्क्स को भी पढ़ा और डार्विन को भी पढ़ा। फ्रॉयड ने जाके इतने पशुओं का वध किया, आप उनका अगर जीवन वृत्त देखें, क्योंकि वो पहले एक वो न्यूरोलॉजिस्ट है, तो वहां पर वो देखने के लिए कि न्यूरॉन्स में क्या है, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है, वो जाके और वहां पर उन्होंने हजारों ईल्स को मारा उन्होंने, और उसको वध किया, उसका उन्होंने डिसेक्शन किया। एक तरह विखंडनात्मक थियरी है उनकी, पूरी जो मनोविज्ञान की थियरी है वह स्ट्रक्चरलिस्ट है, वह संरचनावादी है। उनके यहाँ मन बुद्धि अहंकार, कोई बता सकता है कि मन का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या है? जिस प्रकार से, ध्यान रहे, उसने जो टर्म्स इस्तेमाल किए थे फ्रॉयड ने, ध्यान रहे, उसने भी इड का प्रयोग नहीं किया था, उसने ना ईगो का इस्तेमाल किया था, और ना उसने
सुपर ईगो का प्रयोग किया था, यह बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि यह मार्क्स का लेटिनाइजेशन जो हुआ, जिसे एंग्लिसाइजेशन ऑफ, जिसे फ्रॉयड आप कह सकते हैं, यह बाद की घटना है। क्योंकि उसने तो बड़ा जर्मन टर्म्स इस्तेमाल किए थे, ध्यान रहे उसने कहा दास एस, जिसे आप इड कहते हैं, और वो दास एस क्या है, द इट, इसे अंग्रेजी में अगर आप करना चाहें इट, इदम और अहम, उसने कहा दास दास एस, फिर उसने कहा दास इख अहम द आई, और तीसरा उसने कहा जो भेद है वो है ऊबर इख दैट इज ओवर आई द सुपर ईगो, जिसे अंग्रेजी में इस रूपांतरण में पश्चिम में ही कहा गया कि अगर आप इसे अंग्रेजी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो फ्रॉयड को समझने में आप भयंकर त्रुटि कर रहे हैं। तो पहला मेरा निवेदन ये कि जहां मूल आप समझ नहीं सकते हैं, इवन फ्रॉयड को समझना भी चाहें, क्योंकि उसने अंग्रेजी में मूलतः नहीं लिखा, उसकी भाषा, और दूसरी जो दूसरी बात है, जो उसकी जीवन दृष्टि का केंद्र है, जो धुरी है, वो इतनी साइकोसोमेटिक है कि उसमें तत्व ज्ञान या तत्व मीमांसा नहीं है, उसमें बहुत ही वस्तुनिष्ठ परक, जिसे आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें शब्द प्रमाण है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें वह जिसे हम कहते हैं कि इसमें अर्थ तत्व क्या है, इसमें हम किस प्रकार से तत्वार्थ करें, मार्क्स फ्रॉयड और डार्विन, तीनों में कोई तत्व मीमांसा नहीं है, तत्व मीमांसा नहीं है, जो कुछ है वह प्रकट और हाथ में है, और उस ऐन्द्रिक ज्ञान पर इतना अहंकार है, जैसा मैंने आपको बताया कि मन क्या है यह प्रश्न नहीं है, वहां माइंड क्या है इस पर पूरी मीमांसा उनकी है, उनके यहां माइंड और मेंटल, आपकी मन बुद्धि अहंकार और चित्त, क्या इन चार तत्वों में समाहित होती है, यह बहुत मूल विषय है कि आपके यहाँ का जो अहम है वह क्या उनके आई से मिलाया जा सकता है, क्या उसकी तुलना हो सकती है, यह सोचने की बात है। हमने कैसे पूरी फ्रॉयडियन साइको एनालिसिस को, वो महान विद्वान था क्योंकि एक डिजीज सोसाइटी थी, 20th सेंचुरी तक आते आते अगर मैं आपको वहां के साहित्यिक और नीत्शे के दो, नीत्शे को जितनी सावधानी से और डार्विन को फ्रॉयड ने पढ़ा, इतना किसी ने भी नहीं पढ़ा, वो इतना ज्यादा एक स्थिति भयावहता की थी, उस आधुनिकता की भयावहता को आत्मसात किया था नीत्शे ने, जब उन्होंने कहा था कि ईश्वर की हमने हत्या कर दी, गॉड इज डेड, और पूरा सेंटेंस क्या था कि हमने उस ईश्वर की हत्या उस चौराहे पर की जो कि एक बाजार का चौराहा था, ध्यान रखिए। ये तीनों ऋषि उस सभ्यता, उस प्रेडेटरी सिविलाइजेशन के, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो सभ्यता प्रेडेटरी क्यों है, वह विनाशी सभ्यता क्यों है, वह शैतानी सभ्यता क्यों है, क्योंकि वह सभ्यता एक तरीके के कंफ्लिक्ट पर, एक संघर्ष पर, और संघर्ष में कौन जीतेगा, जो फिटेस्ट होगा, समझ आया ना, क्या ऐसा दर्शन भारत में है, भारत में रामराज्य की परिकल्पना क्या है, भारत में पृथ्वी सूक्त क्या है, भारत में पृथ्वी सूक्त है, जो भूमि सूक्त है वही हमारा राष्ट्र का सूक्त भी है, वह हमारे जीवन दर्शन का भी सूक्त है, लेकिन क्या उसमें इस प्रकार से, क्या साहचर्य परक है, हाँ उसमें भी अन्य का भाव है, उसमें भी शत्रु बोध है, और शत्रु का संहार करना धर्म बताया गया है, लेकिन उस शत्रु का संहार करना पुण्य के लिए, शांति के लिए, धर्मो रक्षते रक्षता के लिए बहुत आवश्यक है। यह ध्यान रहे हमारे ऋषियों में अन्य का भाव है, अन्यता का भाव है पूरी तरह, जिसे श्री अरविंदो कहते थे कि ये हमारा पॉलिटिकल वेदांतिज्म है, हमारा पूरा वेदांत ही पॉलिटिक्स है, वो कहते थे पॉलिटिक्स अलग से नहीं है, ध्यान रहे मार्क्स फ्रॉयड और डार्विन, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जिसमें के दो कोटियों का या दो से अधिक कोटियों का, कैटेगरीज का आपस में संघर्ष होना, और इसीलिए संघर्ष होना अपरिहार्य है, उस संघर्ष के बाद ही
विनाश के बाद कोई स्थिति आ सकती है, वो कैसी स्थिति होगी नहीं पता। इसलिए मार्क्स की थ्योरी में यह ध्यान रहे कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें कि बेस में जो शक्तियां कार्यरत हैं उनका अनवरत संघर्ष, और उसके बाद जो विजयी होता है वह एक साम्य की अवस्था का निर्माण करता है। न तो यह सिद्धांत में पूर्णतः सिद्ध है, यह तो सिद्धांत ही नहीं है, यह गलत सिद्धांत है, क्योंकि उस संघर्ष की परिणति शांति में कैसे होगी? वह संघर्ष तो अनवरत होगा, क्योंकि मानव की जो समाज है वो असमानता पर निर्भर करता है। वहां पर चित्त की समानता या साम्य का कोई विमर्श नहीं है, चित्त की साम्यता की कोई स्थिति नहीं है। और इसलिए जो हिस्टोरिकली मटेरियली डिटरमाइंड सोसाइटीज हैं, जो भौतिकता से, ऐतिहासिकता से और आपकी संपूर्ण सामाजिकता में जो होने की स्थिति है, जो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, जब आपकी चेतना का निर्माण उसी से ही होना है, और चेतना के द्वारा ना आपका आई है, ना वहाँ आपका चित्त है, ना वहाँ आपका मन है, ये स्थिति अनुपस्थित है। क्योंकि जो आपका बाह्य है, जो आपका बाह्य है, उससे ही आपका चेतना का रूपांतरण होगा, चेतना के द्वारा बाह्य का रूपांतरण नहीं हुआ। यह मूल दृष्टि भेद है, लेकिन आपकी पूरी जो आधुनिक ज्ञान परंपरा है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, उसके केंद्र में ये तीनों ऋषि रखे हैं। इसलिए ये पूर्व पक्ष भी है, आपको इनका इनकी समीक्षा करनी होगी, आपको जो जैसा आशुतोष ने कहा कि इसकी तत्व मीमांसा भी करनी होगी कि इनके यहाँ ऐसा क्या है जो कि कबीर जैसा, कबीर एक हमारे यहाँ का विध्वंसक कवि है, एक विध्वंसक ऋषि है। ऋषि जो कहता है कि जो हमारे पास गिवन, जो हमें स्वीकृत कराया गया है, मैं उसका निषेध करता हूँ, विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध होते हुए कबीर बहुत बड़े शांत और अहिंसा के कवि हैं। क्या नीत्शे में कवि, क्या नीत्शे के दर्शन से कबीर को समझा जा सकता है? क्या नीत्शे के, क्या मार्क्स के दर्शन से कबीर को समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया कि कबीर के राम या कबीर का रामत्व तुलसी के रामत्व से भिन्न है? ये मार्क्स की दृष्टि है, ये डार्विन की दृष्टि है। ध्यान रहे, जो सामाजिक अभियांत्रिकी है, जिसे आप सोशल डार्विनिज्म कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, आपने क्रमशः मार्क्स को और डार्विन को, और बाद में आपने एक मनोवैज्ञानिक अभियांत्रिकी, जिसे आप कहते हैं कि मेंटल इंजीनियरिंग, आपकी मानसिकता की भी एक प्रकार से आपने उसको क्या किया, उसकी भी आपने एक तकनीक बना ली, कि इन तकनीक, इस अभियांत्रिकी के माध्यम से ही मैं अब अपने मन को भी नियंत्रित करूंगा। क्या यही पतंजलि का योग है? क्या आप फ्रॉयड को पतंजलि के योग शास्त्र के माध्यम से समझना चाहते हैं, या योग शास्त्र और पतंजलि और फ्रॉयड, ये दो भिन्न जीवन दृष्टियां हैं, जिसमें यम नहीं है, नियम नहीं है, भयंकर भोगवाद है उसमें कोई। इसलिए वो भोगवाद के, मैं ऋषि तो नहीं कहूंगा, वो भोगवाद के विद्वान है, एक ऐसी धरती जो भोगवाद से त्रस्त है। और इसलिए जो आशुतोष जी ने एक जो उनके लिए विशेषण का प्रयोग किया, अवर ऋषि, अवर, हमारे यहाँ तो शब्द ही ब्रह्म होता है, अगर मैं आपको अवर शब्द की ही व्याख्या कर दूं, आप समझ जाएंगे। अवर सिर्फ परवर्ती नहीं होता है, अनुवर्ती नहीं होता है, जहां पर आशुतोष जी ने, आप देखिए, एक ब्रैकेट में रखा है उसको जानबूझकर, क्योंकि अवर का अर्थ होता है न केवल पीछे का, न केवल नीचे का, बल्कि गिरा हुआ, नीच, नीच, द मीनेस्ट पॉइंट, नीच, अधम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको संस्कृत का बाकायदा कोश का उदाहरण दे रहा हूं। ये अवर, अगर ऋषि प्रत्यय आप इसमें मिला देंगे, इफ यू यूज दीज टू एडजेक्टिव्स टू करेक्टराइज मार्क्स, फ्रॉयड और डार्विन, तो वह अवर न केवल पश्चिमी को भी अवर कहते हैं, न केवल वो अनुवर्ती है, परवर्ती है, पश्चिमी है, और एक अर्थ और होता है, अवर का अर्थ है निकटस्थ। ये हमारे निकटस्थ है, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा पर काबिज हैं ये लोग, लेकिन अवर का जो एक अर्थ है, सबसे घटिया, सबसे निम्नतम, सबसे नीचतम को भी अवर का, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी ज्ञान परंपरा में कहा गया है। आप जरा खोल के देखिए वामन शिवराम आप्टे और मोनियर विलियम्स, और इसलिए अंग्रेजी में भी अवर है। मैं फिर आता हूं, ये अवर ऋषि नहीं हो सकते आशुतोष जी, ओ यू आर, पहली बात।
दूसरी बात, यहाँ पर मैं थोड़ा पर्शियन का समावेश करना चाहूंगा। पर्शियन में भी यही संस्कृत का टर्म गया, क्या? अवर। उन्होंने बनाया आवारा। लुक एट द जेनेसिस ऑफ द टर्म आवारा, जो उच्छृंखल है। इसलिए मोनियर विलियम्स और शिवराम आप्टे ने उदाहरण देके बताया आपके ग्रंथों से कि अवर का एक अर्थ है जो स्वेच्छाचारी है। आशुतोष जी, आप समझ रहे हैं आपने कितना सही विशेषण आपने इनके लिए इस्तेमाल किया है। ये अवर ही हैं और अवर ऋषि हो सकते हैं, ये नीच हैं, क्योंकि इन्होंने, देखिए विद्वानों का नीच होना बड़ी सामान्य। आप JNU में जाएं, आप IIT खड़गपुर जाएं, आप टिस जाएं, विद्वानों का अधम होना बड़ी सामान्य स्थिति है और अधम का विद्वान होना भी बड़ा सामान्य बात है। आपके यहां भी हुए हैं, रावण बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन अधम था। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई हमारी परंपरा में, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस परंपरा में नासदी सूक्त रखा, मैं यहाँ पर क्या नासदी सूक्त, यह एक असंभव असंभावना है। मैं पहले तो ये कह रहा हूं कि मार्क्स, फ्रॉयड और डार्विन, इनको अपने चिंतन के केंद्र में रखते हुए भारतीय चिंतन में के साथ इनकी तुलना करना एक असंभव असंभावना है। इट्स एन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबिलिटी एंड इट्स दिस मे बी द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉट ओनली डिसऑनेस्टी बट इडियोसी, स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मूर्खता की चरम पराकाष्ठा अगर देखनी है, और जो हमारे पाश्चात्योन्मुखी भारतीय बुद्धिजीवियों में ज्यादा होती है, और उसमें भी मेरे जैसे जो अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं जो आपसे बार बार आके यही कहते हैं कि भाई संस्कृतिस्ट हैव ए लॉट टू लर्न फ्रॉम, क्योंकि मैक्स मुलर भी था, तो मैक्स मुलर तो ऋषि था उनके अनुसार, उनके अनुसार हेगल भी ऋषि था। इस मार्क्स के दर्शन से मुझे आप बताइए पश्चिम ने क्या कोई एक मोहल्ला भी बनाया, लेट अलोन ए सोसाइटी। Whether there is a mohalla that he or his vision was able to establish in the entire world. Ek prayas hua Soviet Russia mein. Stalin, it's a conservative estimate. Ek chota sa anuman hai. Kareeb 3-4 crore log mare gaye Russia mein. Communist China mein kehte hain Mao ne revolution mein kareeb 4-5 crore log mare gaye. Do samaj wahan abhi bhi chal raha hai. है ना, सोवियत रशिया में वो फेज पूरा हुआ। तीसरा कंबोडिया में पोल पोट ने, कम से कम नहीं तो वहां 80-90 लाख लोग मारे गए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस दर्शन का न तो कोई समाज बना, और ये ध्यान रहे ये तीनों लोग लंदन में ही मरे। मार्क्स लंदन आया, लंदन में समाधि, फिर फ्रॉयड की वही समाधि है ना, और तीसरे डार्विन की भी वही समाधि। तो डार्विन तो चलिए वहीं के थे, ज्यू थे जैसा उन्होंने बताया, लेकिन यह ध्यान रखिए कि मार्क्स ने क्या लंदन की सोसाइटी को, समाज को परिवर्तित कर पाए जहां वो रहे, जहां पूरा अध्ययन किया। उनके ज्ञान की भूमि बनती है लंदन और ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी। नहीं, डार्विन, मैं आपको बताऊंगा कि ये इनके जो सिद्धांत हैं, पश्चिम ने ही इनका पूरा विरोध किया कि अगर पश्चिम में जो सबसे बड़ा प्रकृति के साथ जो घात हुआ, प्रकृति के साथ जो एनाइलेशन हुआ, और मानव जाति को केंद्र में रखकर एंथ्रोपोसेंट्रिक, ध्यान रहे जो दर्शन बनाया गया, उसके ये तीनों प्रणेता थे। और इसलिए मानव जाति जो आज बिल्कुल अपने संघार के बिंदु पर है, जिसे एंथ्रोपोसीन आप कहते हैं, उसके ऋषि हैं ये, उसके तीनों ऋषि हैं। हमें इनको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हमारे बच्चों को वो आप सम्यक दृष्टि कैसे देंगे इन तीनों ऋषियों के अवदान को समझने का। इनका अवदान भी बताऊंगा थोड़ा सा संक्षेप है ना। अब ये जो समस्या आती है कि रेस जो जाति है, जो नस्लवाद है, अगर आप मार्क्स के व्यू, सबसे पहले मार्क्स को ले लीजिए, मार्क्स के भारत के समाज के बारे में विचार क्या थे, जो 1853 से लेकर और 1856 तक उन्होंने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून को डिस्पैचेस भेजे, नोट्स भेजे, उनको पढ़िए, इंटरनेट पे उपलब्ध है। साम्यवाद का और समानता का वह ऋषि, क्या उसमें सम है? पहले तो आप ये बताइए कि पूरे मार्क्स के दर्शन में कहीं सम है, साम्य है?
मुझे बड़ा दुख हुआ था जब विनोबा जी ने मार्क्स को एप्रोप्रिएट करके सर्वोदय और साम्यवाद, करपात्री जी ने मार्क्सवाद, क्यों आशुतोष जी, है ना, ये लिखना पड़ा लोगों को, लिखना पड़ा, क्योंकि आप जब तक मार्क्स की बात नहीं करते तब तक आप सर्वोदय की बात नहीं कर सकते, तब तक आप राम राज्य की बात नहीं कर सकते, है ना। और मार्क्सवादियों ने हमारे राम राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया, आप जरा अक्षय मुकुल की किताब है गीता प्रेस गोरखपुर पर जरा पढ़ लीजिए कि उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार को किस प्रकार से, आप एनसीआर दूर मत जाइए, आप अपने मार्क्सवादी विमर्श के अनुसार लिखी गई अपनी एनसीआरटी की डिक्शनरीज पढ़िए, कोश पढ़िए, और उसमें देखिए कि उसमें राष्ट्र, समाज, समुदाय, धर्म, इनको किन कोटियों में रखा गया है, क्या इनकी कोई भारतीय व्याख्या भी है, आज भी नहीं है। 2014 से लेकर आज 2024 में हम बैठे हैं, आज भी मार्क्स, फ्रॉयड और डार्विन, क्योंकि इन्होंने उस संघर्ष को जिससे के विश्व का विनाश होना है उसको नियत माना, इन्होंने यह माना कि जो व्हाइट सुप्रीमेसिज्म है, जो यूरोप की श्रेष्ठता है, वह असंदिग्ध है। ध्यान रहे, मार्क्स ने कहा उन डिस्पैचेस में बार बार कि भारत, जिसमें आपको मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं, पहले जो मार्क्स ने कहा भारत के लिए, उन्होंने कहा यह एक ऐसा समाज है जो सेक्सुअली डिजेनरेट है, जो वोलप्चुअस सोसाइटी है, विच इज ए वो टू ह्यूमैनिटी, जो इस सारे संसार की मानवता पर एक अभिशाप है, जो उसका संत्रास है, जो एक 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 यौनिकता से ग्रसित समाज है। फिर उन्होंने कहा इट इज दिस रेट्रोग्रेड सोसाइटी, ऐसे पतनशील समाज में जिसमें न तो इतिहास है, ध्यान रहे उन्हें यही नहीं पता था कि हमारा इतिहास तो रामायण और महाभारत है, जिनसे बड़े ऐतिहासिक विमर्श विश्व साहित्य में कहीं नहीं, विश्व की ज्ञान परंपरा में कहीं नहीं है, लेकिन यह नहीं स्वीकार किया गया। धर्माणाम अर्थ, जो मैंने आपको बताया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये धर्मार्थ सर्व उपदेश समन्वित, यह तो दृष्टि ही नहीं है उनकी। और इसलिए जो जस्टिस को भी परिभाषित करता है, हमारे आचार्य वीरेंद्र जी बैठे हैं, प्रणाम आचार्य जी, जहां जस्टिस, लॉ, राइट्स, ड्यूटीज, आप ये देखिए ये पश्चिमी प्रत्यय हैं, राइट्स, ड्यूटीज, लॉ, जस्टिस, पॉलिसी, पनिशमेंट, कंपैशन, स्पिरिचुअलिटी, कंडक्ट, योर कंडक्ट, एसेंस, ऑल दीज आर एनकैप्सुलेटेड, इन सब का एक समन्वित प्रत्यय है, वह धर्म है। इसलिए हमारे यहाँ यह बहस का मुद्दा ही नहीं है कि आप सभ्य हैं या सुसंस्कृत हैं, भारत एक सभ्यता है या संस्कृति है, ये आपकी चेतना पर इसको क्या किया गया है, इसको सुपर इम्पोज किया गया है, इसको अध्यासित किया गया है, यह आपका प्रश्न नहीं है। लेकिन हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे, तो मार्क्स ने कहा कि यह मूलतः असभ्य, जंगली, प्रगतिहीन इतिहास, मेरा पोता कह रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा है, भारत में इस प्रकार के व्याख्यान होने का मतलब है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कोई शिक्षा मंत्री आशुतोष अंगिराज की ये जो प्राकथन है, पूर्व वाक है, क्या किसी आज हमारे, अगर हमारे इतने बड़े जूरिस्ट बैठे हैं, ये जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहें कि काइंडली अडॉप्ट वन प्रत्यय दैट इज धर्म एंड योर एंटायर जूरिस्प्रूडेंस is more than explained not in metaphysical terms but from the point of view of practical applicability of justice to all kinds of human situations. Lekin wo dharm anthropocentric nahi hoga acharya ji, wo dharm na manavon ka hai aur na manavon ke liye hai, na manav ke survival ke liye hai, vah samashti vyashti parameshti ka jo samanvit roop hai, यह वह धर्म है जिसके केंद्र में सबसे पहले असत है, जिसके केंद्र में अंधकार है, तमस है, तमस, मृत्यु और असत को सबसे पहले स्वीकारने वाले, और असत को, तमस को, और ये पश्चिम के ज्ञान परंपरा या पश्चिम की जो मजहबी या अब्राहमिक
रिलीजियस ट्रेडिशंस है, और ये ध्यान रहे पश्चिम की ज्ञान परंपरा उनकी अब्राहमिक नॉलेज ट्रेडिशन है, उनकी चर्च सेंट्रिक नॉलेज ट्रेडिशन है। जरा इतिहास पढ़िए, सिर्फ ग्रीक नॉलेज ट्रेडिशन थी जो भारत की वैदिक ज्ञान संहिता है, जो वैदिक ज्ञान परंपरा है उसके जो बहुत निकट आती है वो ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज आती है, लेकिन अब्राहमिक नॉलेज ट्रेडिशन नहीं आती, क्योंकि इसमें तो जो अदर है, जो सारा ये विश्व है, ये आपके भक्षण के लिए है, और आप इसीलिए वहां पर पोस्ट ह्यूमन हो चुका है, पोस्ट ट्रुथ हो चुका है। आप देखिए वहां पर डेथ ऑफ गॉड तो नीत्शे ने 1892 में कहा, फिर उन्होंने कहा डेथ ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा ने कहा, फिर अब डेथ ऑफ मैन भी क्योंकि अब ये पोस्ट ह्यूमन सोसाइटी है, तो उन्होंने कहा ये पोस्ट जो ह्यूमन है, पोस्ट ह्यूमन है, यह अब एक आर्टिफिशियल, एक ऐसे आभासी तंत्र में चले गए हैं हम, जहां हम अमृत तो हमने हासिल कर लिया है। किसने किया है ये अमृत? ये कृत्रिम बुद्ध, ये जो कृत्रिम बुद्ध बने हुए हैं, बुद्ध नहीं, ये जो आर्टिफिशियल एनलाइटेंड बुद्धास जो हैं आज के, जिनमें मैं भी हूँ, जो कि पूरी तरीके से आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके होने का मतलब यह है कि आप कितने कृत्रिम बुद्धि से, कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं, आप दूसरों का के मन चित्त बुद्धि और अहंकार का अपहरण करते हैं। इसलिए जो वेस्टर्न माइंड है उसको स्थापित किया गया, ग्राफ्ट किया गया शेष विश्व के माइंड पे, ध्यान रहे, तो आपके मन का अपहरण किया, आपका स्थूल शरीर, दे आर ओनली कंसर्न्ड विद स्थूल शरीर, ध्यान रहे, जब पूरे फ्रॉइड का जो मनोचिकित्सा है, उसका जो साइको एनालिसिस है, जो मानसिक विश्लेषण है, वह पूरी प्रकार से किसका है, वह एक प्रकार से स्थूल जो शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंतर ही आता है, उसमें ना सूक्ष्म शरीर है और ना कारण शरीर है। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि जिसमें शरीर के ही दर्शन, जो कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वह धर्म का साधन तब बनता है जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से समन्वित होता है। तो हमारा बॉडीली डिस्कोर्स जो है, जो डिस्कोर्स ऑफ द बॉडी है, वो भी आपसे अलग है। हमारे यहाँ सृष्टि की जो कल्पना है, ये पुस्तक है हमारे यहाँ, हमारे पास अंबोवाद, मधुसूदन ओझा जी, ये तो 20th century में थे, जयपुर में थे, क्यों भाई? मोतीलाल जी शास्त्री जयपुर में 20th century में, जब मोतीलाल जी शास्त्री भारत के राष्ट्रपति के पास जब वो व्याख्यान देते थे, और ध्यान रहे वो फ्रॉयड, डार्विन और मार्क्स तीनों पर कमेंट करते थे, और उनका कहना ये था कि इन ऋषियों को पढ़ना जरूरी है, ऋषि से मतलब इन विद्वानों, इन पश्चिम के चिंतकों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये सर्वग्रासी चिंतक हैं, ये उस सर्वग्रासी सभ्यता के वाहक हैं जो हमारे चित्त पर, जो हमारे मन पर, जो हमारी बुद्धि पर, जो हमारे अहंकार पर, जो हमारे विमर्श पर, जो हमारी स्वतंत्र शक्ति का अपहरण कर लेंगे। और यही हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी जब मोतीलाल शास्त्री जी पांच व्याख्यान के लिए बुलाया, भारत का राष्ट्रपति मोतीलाल जी शास्त्री के चरण धो रहा था, चरण, भारत का राष्ट्रपति किनके चरण धो रहा है? मोतीलाल जी शास्त्री के। आज अगर मार्क्स जी आ जाएं, फ्रॉयड आ जाएं और डार्विन आ जाएं, तो हमारे यहाँ ऐसा कौन विद्वान नहीं होगा जो उनका चरण प्रक्षालन नहीं करेगा। और आचार्य मोतीलाल जी शास्त्री या मधुसूदन ओझा जी पहुंच जाए, तो उनको हो सकता है अपना जो डोरमैन है, जो आपका चौकीदार है, उससे ही कह देगा बाहर फेंक दो इन लोगों, क्योंकि वह आपको वह कोस्मोगनी, वह उस सृष्टि विज्ञान की बात बता रहे हैं जिसके केंद्र में। मित्रों, मैं इसके आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें अवैज्ञानिक क्या है, मुझे पहले यह बताएं कि इसमें तार्किक क्या नहीं है, और इस सृष्टि विज्ञान में जो पूरे उत्पत्ति का रहस्य है, सृष्टि का रहस्य है, वह कितना वैज्ञानिक है और साथ ही कितना दार्शनिक है और साथ ही कितना तार्किक है। पहला, प्रलय काल में न सत था न असत, ना असत सीनो सदासीत तदानीम नासीत अजो नो व्योमा परोयत, न सत था न सत था न असत था, उस समय न लोक था न आकाश था, और जो आकाश से भी परे है वह भी नहीं था, उस समय सबका आवरण क्या था, उस समय सबका आवरण क्या था, उस समय किसका आश्रय था, ये क्वेश्चनिंग देखिए, परपेचुअल क्वेश्चनिंग।
अगाध और गंभीर जल क्या था, ये जो अंभोवाद है इसमें सृष्टि की व्याख्या है कि क्यों जल आवश्यक है, क्यों वरुण तत्व आवश्यक है, क्यों सोम तत्व आवश्यक है, अर्थात सब कुछ अनिश्चित ही था। ये देखिए नासदीय सूक्त में सबसे बड़ी स्थापना ऋषि ये करते हैं कि सब कुछ अनिश्चित ही था। फिर वो कहते हैं न मृत्यु थी न अमृत था, इसलिए कहते हैं मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्यु को पहले स्वीकारते हैं मृत्यु के दर्शन। न मृत्यु थी न अमृत था, सूर्य और चंद्रमा के अभाव में रात और दिन भी नहीं था, काल भी नहीं था। वो कह रहे थे अकेला ब्रह्म प्रकाशित हो रहा था, लेकिन ब्रह्म से परे अन्य कोई वस्तु नहीं थी, तो जो भी था वही था, उसके उससे अन्य समय भी नहीं था। उसके बाद वह कह रहा है सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण जो जगत कह लीजिए आप या तत्व कह लीजिए, यह संपूर्ण तत्व अंधकार से व्याप्त था, तमस तमसा गुहम अग्रे, यह सब कुछ तमस में आवृत था। तमस को समझिए, तमस गहन अंधम तमस में था ये। और उसके बाद वो कहता है सब कुछ अंधकार से आच्छादित था, अज्ञात अवस्था में सब कुछ जल ही जल था, और जो था उसमें सत भी था असत भी था। फिर वो कहता है सब कुछ अविद्या से आच्छादित था और तम से एकाकीकृत था, तम से एकीकृत था। लुक एट दिस 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 नॉट ग्लोरिफिकेशन बट समथिंग दैट कैन नॉट बी नोन, समथिंग दैट इज अज्ञेय, उसकी एक्सेप्टेंस है आपके यहाँ। उस अज्ञेय से आप गे की तरफ, आप जो बिल्कुल इन जिसे आप कहते हैं कि दिस कैन नॉट बी कॉग्नाइज्ड, जो अप्रमेय है, उस अप्रमेय से आप प्रमेय की तरफ पढ़ते हैं। ये बड़ी बहुत और ये साइंटिफिक बात भी है, जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति के जो जो रहस्य हैं उसमें आज भी मूल में वो कहते हैं कि किसी की डिजायर रही होगी, कोई काम रहा होगा, तो कामस्तदग्रे समवर्तताधि, ये कैसी बात है हमारे यहाँ कहा जा रहा है सृष्टि के पहले ईश्वर के मन में, सृष्टा के मन में सृष्टि की रचना की काम भावना, काम फ्राइड, उसने काम को डिजीज माना। ध्यान रहे आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़िए न्यू टेस्टमेंट पढ़िए, सबसे बड़ा अगर कोई टैबू है तो काम है। और आपके काम सूत्र में सबसे पहला सूत्र क्या है, वात्स्यायन, जो कि एक ब्रह्मचारी था, उसने कहा कि धर्म के पर आधारित जो काम है वह सृष्टि का आधार है। दिस इज द फर्स्ट सूत्र। गीता, धर्मा विरुद्ध काम हूं, मैं काम हूं, आई एम डिजायर, आई एम ए फॉर्म ऑफ डिजायर, बट डिजायर इन ऑल इट्स सब्लाइम फॉर्म्स, बिकॉज आई एम धर्मा विरुद्ध, आई एम नॉट अगेंस्ट धर्म। तो आप ये देखिए कि काम से रचना का संकल्प होता है, और रचना के संकल्प से इच्छा पैदा होती है, और उसके बाद जो बीज रूप है वह सृष्टि का बीज रूप आता है, जो कारण रूप आप कहते हैं वह असत से उत्पन्न होता है। सो लुक एट द नॉन बीइंग एंड बीइंग, द नॉन एग्जिस्टेंट एंड द एग्जिस्टेंट, जो कि आपने परस्पर द्वंद बनाया, जिनका आपने कहा कि जो एग्जिस्टेंट है वही सत है और जो नॉन एग्जिस्टेंट है वह तार्किक नहीं है, वह तर्क की कोई प्रणाली नहीं है, वह तर्क की कोटि में नहीं आता है। हमारे यहाँ कहा नहीं, सबसे पहले जो अप्रमेय है, जो अज्ञेय है, वह आपको समझना पड़ेगा, उसको पहले आपको लाना पड़ेगा, आपको अपने संज्ञान में लाना पड़ेगा जो अज्ञेय है, और उस अज्ञेय की ओर आपको कहाँ से संकेत मिलता है, जो गेय है। इसलिए गेय और अज्ञेय, दैट इज बीइंग और नॉन बीइंग, सत और असत, ये परावलंबित है, सत और असत विरोधी कोटियां नहीं है। और इसलिए जब वो कहता है को अद्धा वेद का यह प्रवोचत, यह सृष्टि किस विधि से आई, किस उपादान से प्रकट हुई, यह कौन जानता है, कौन बताए, किसकी दृष्टि वहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी इस हम सृष्टि के बाद ही, सृष्टि के कर्ता को भी क्या पता है कि सृष्टि किस प्रकार बनी। ध्यान रहे यह परमे व्योमन, परम व्योम में स्थित अगर कोई सृष्टि करता है, वेद यदि वान वेद, क्या उसको ज्ञात है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, या उसको भी नहीं ज्ञात है जो हमारा सृष्टि का करता है, यह सृष्टि का निर्माण किसने किया।
एक ऐसी अस्वीकृति की स्वीकार्यता, एक ऐसी जिसे हम कह सकते हैं कि मानव की ज्ञान की सीमाओं को पहचानते हुए ज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करना, यह हमारी ज्ञान परंपरा के मध्य में रहता है। और यह ज्ञान के चूंकि उनके यहाँ जो दर्शन है उसमें इस प्रकार की, जिसे हमने कहा आपको, इस प्रकार का खुलापन, इस प्रकार की अपूर्णता की स्वीकृति, इस प्रकार की होलनेस, जो कि आपके यहाँ संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या, परा और अपरा, इन दोनों की परस्परावलंबी होना, अविच्छिन्न और इनको खंडित दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, कि जो आपकी परा विद्या है उसी का एक रूप अपरा विद्या है, जो आपको विमर्श से दिखाई पड़ रहा है वही प्रकाश है, और वही प्रकाश जब तक विमर्श की शक्ति नहीं होती है, स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है, वह ज्ञान नहीं बनता। ध्यान रहे, जो ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो आर्थिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसमें जो संघर्ष है, उसमें जो परतंत्रता है, उस परतंत्रता के विमर्श में ही जब मानव आता है, तो मानव को ये जो कैटेगरी है ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड की, वो एक कैटेगरी माननी पड़ती है, और उस ऑप्रेसर एक शोषक है, एक शोषित है, जो शोषित है वह किसकी एक्सेप्टेंस स्वीकार करे, जो मार्क्स ने कहा कि भारत में समस्या यह है कि यहाँ ना सभ्यता है ना संस्कृति है, इसलिए जो यूरोपियन साम्राज्यवाद है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, वह भारत को सबसे पहली बार सभ्यता और इतिहास के विमर्श में ला रहा है, नहीं तो भारत में न सभ्यता है न विमर्श है न इतिहास है। इसलिए यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, यह डार्विन का ही तो प्रकारांतर से विमर्श है, यह डार्विन का ही विमर्श है जो एक प्रकार की सामाजिक वैज्ञानिकी को, सामाजिक यांत्रिकता को बढ़ावा देते हुए एक प्रकार से एक नियंत्रित समाज को, उसमें जो श्रेष्ठ होंगे वही बचेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं है, ध्यान रहे हमारे यहाँ क्या कहता है, सत्यम वद धर्मम चर, हमारे यहाँ श्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन श्रेष्ठों के माध्यम से जो अश्रेष्ठ हैं उनका संहार नहीं होना है। ध्यान रहे हमारे यहाँ चाहे शब्द का दर्शन हो, चाहे हमारे धर्म का दर्शन हो, उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्राह्मणों की है। हमारे यहाँ मार्क्स की तरह का जिसमें विषमता का दर्शन है, हमारे यहाँ एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक साम्य का दर्शन है, जिसमें कि वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्थाएं थी वह विषमता की दर्शन नहीं है, जो वर्ण का दर्शन है वह सामाजिक संरचना को उस साम्य से जोड़ने का दर्शन था, जिसमें कि वह न तो हेरिडिटी थी, न तो आनुवंशिकी थी, और न ही वह एक सामाजिक संरचना का श्रेणीकरण था, वह हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं था, क्योंकि यह सब क्या था, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। यह चाहे मनुस्मृति देखिए, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, यह कोटियां आपस में परस्पर क्या थी, गत्यात्मक थी, इंटरनल मोबिलिटी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, जो हमने मानव समाज का निर्माण जो हमारा ध्येय था, उसकी व्यवहारिकता कहाँ से अलग होती है वो एक अलग विषय है, क्योंकि पतनशील समाजों में जो आपका दर्शन होता है और जो आपकी व्यवहारिकता होती है उसमें भेद आने लगता है। लेकिन कास्ट जैसी संरचना कोई नहीं थी, जैसे आपने ये कहा कि मार्क्स ने हमें एक ऐसा, हमें जो आज की क्रिटिकल रेसिज्म है, जो आपकी क्रिटिकल रेस थ्योरी क्या है, क्रिटिकल रेस थ्योरी ये कहती है कि ये समाज में जो ब्राह्मण है, जो वाइट है, वो हिंसक हैं, वह शोषक हैं, क्योंकि यह पूरा समाज बनाया किसने है, उन्होंने कहा वाइट सुप्रीमिज्म ने बनाया है, ये भारत का समाज किसने बनाया है, ये ब्राह्मणिकल जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ब्राह्मणिकल हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने उस ब्राह्मण को एक रेस बना दिया, उन्होंने उसको जो वाइट सुप्रीमेसिज्म है उसको भारत की वर्ण व्यवस्था पर लादा गया, उसके दुष्परिणाम ये हुए कि भारत का पूरा जो सामाजिक ही है, जो हमारा सामाजिक विमर्श है, जो कि पूरी प्रकार से हमारा जो तत्व दर्शन है, हमारा जो धर्म का दर्शन है, उस पर आधारित है, इसलिए भारत का सामाजिक दर्शन और भारत का धार्मिक दर्शन वह धर्म निरपेक्ष ही रहेगा, उसमें
ये परस्पर द्वैत और परस्पर हिंसा नहीं हो सकती है, जो कि डार्विन और मार्क्स के दर्शन से जब तक के फिटेस्ट अपने से वीक को, रिलेटिवली वीक को, जब तक उसको खा नहीं जाता, जब तक उसका शोषण नहीं कर लेता या उसको समाहित नहीं कर लेता, एसिमिलेट नहीं कर लेता, इसलिए अमेरिका की सोसाइटी सभ्य सोसाइटी है, क्योंकि उन्होंने कम से कम 5 या 10 करोड़ जो रेड इंडियंस थे उनका नरसंहार किया, जाति संहार किया। ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी, कैनेडा की सोसाइटी, इन्होंने वहां क्रिटिकल रेस थ्योरी नहीं लगाई, इन्होंने वहां पर कास्टिज्म नहीं लगाया। अमेरिका हैज नो कास्ट, यूरोप हैज नो कास्ट, उनका कास्ट कहाँ है? कास्ट भारत में है। ध्यान रहे, भारत में कास्ट जैसी कोई कोटी नहीं है, अभी भी नहीं, क्योंकि इसकी मनोवैज्ञानिक संरचना नहीं है। इसकी मनोवैज्ञानिक, ये एक यूरोपियन मानस से उपजा पोर्चुगीज टर्म है, जो कि वहाँ स्लेव सिस्टम से, स्लेव प्रथा से उपजा हुआ एक टर्म है, जो भारत में अनुपस्थित। भारत में वर्ण है, और वर्णों में भी सभी वर्णों की, जैसे चाहे पुरुष सूक्त ले लें, उससे लेकर 19वीं शताब्दी तक, जहाँ वर्णों का वर्ण के रूप में अंतर संबंध है, वह किस प्रकार से है? वह परस्पर अंतर संबंधित है, वह परोपजीवी नहीं है, वह परोप, वह परजीविता पर नहीं है, ध्यान रहे, वह परोपकार पर निर्भर करता है। इसलिए जब वर्ण और जाति, मैंने कहा ना कि वर्ण और जाति के भारतीय प्रत्यय जब तक नहीं समझे जाएंगे, जब तक आप उन्हें रेस और कास्ट का पर्याय मानते रहेंगे, तब तक आपके समक्ष भारत का समाज एक ऐसा राक्षसी समाज के रूप में आपको आएगा। लेकिन भारतीय समाज में जो विकृतियां आई, वह उन बाह्य दबावों के अंतर्गत आई, जो बाह्य दबाव हमारे ऊपर, जो बार बार इन्वेजन्स हुए हमारे ऊपर, जो आक्रमण हुए हमारे ऊपर, जो 1000 साल का इतिहास है जिसमें हमने प्रतिरोध किया, जिसने हमने अपने समाज को बचाने के लिए भयंकर प्रतिरोध किया, उसी प्रतिरोध की वजह से, कारण से आज हम ये चर्चा भी कर पा रहे हैं कि मार्क्स, एंगल्स, डार्विन और फ्रॉयड, जिन्होंने के पिता और पुत्र, माता और पुत्र के संबंध को ही यह समझा कि यह यौनिकता का संबंध है, यह एक 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 विकृत यौनिकता का संबंध है। आप जरा डीएच लॉरेंस को पढ़ें, एक इनका चिंतक था यूंग, यूंग आया, रमण महर्षि से मिलता है, यूंग ने शैव दर्शन को समझना चाहा, यूंग ने अद्वैत को समझना चाहा, यूंग मार्क्स की तुलना में एक अधिक महत्वपूर्ण ऋषि हैं, अगर आप तुलना करना चाहें तो मार्क्स से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि वह सामूहिक जाति स्मृति की बात करता है, जिस जाति स्मृति के बाद हमारे यहाँ जितने ऋषि हैं वो जाति स्मृति की बात भी करते हैं। भगवद गीता में जो स्मृति भ्रंशता को अभिशाप माना गया है कि स्मृति भ्रंशता की स्थिति में समाज नष्ट हो जाता है, वह जाति स्मृति है, तो कलेक्टिव मेमोरी है, वह एक आपकी सांस्कृतिक स्मृति है, उसको अगर आप देखना चाहें तो आपको इनसे हटना पड़ेगा। ये जो यूंग ने और फिर नॉर्थोप फ्राई ने जिन आर्किटाइप और सिंबल्स की बात की, जिन प्रतीकों की बात की, वह भारत की मानसिकता की, भारत, आप ध्यान रहे, भारत में कोई कौन भारत का मार्क्सिस्ट है? क्या भारत में कोई मार्क्सिस्ट है? क्या भारत में कोई ऐसा मार्क्सिस्ट है जिसने मार्क्स के चिंतन को उस तरह से पढ़ा जैसे मार्क्स यूरोप को पढ़ रहे थे? नहीं, भारत में जितनी वर्ण संकरता मार्क्स के माध्यम से आई, क्योंकि जितना भारतीय समाज का और संस्कृति का जो विद्रूपीकरण किया गया, जैसे हम ये कह सकते हैं कि वल्गराइजेशन किया गया, वह मार्क्स के विमर्श की सहायता से किया गया। ध्यान रहे, मार्क्स ने एक पूरी तरह से बीमार समाज के ऋषि थे, वो बीमार समाज था, वह एक रुग्ण समाज था, ऐसी औद्योगिक सभ्यता का ऋषि है, चिंतक है, विद्वान है मार्क्स, जो उस औद्योगिकता के उस भौतिकता को नष्ट करना चाहता है, और वो कहता है जब तक इसे नष्ट नहीं करेंगे वर्ग संघर्ष के द्वारा। दूसरी तरफ आपका फ्रॉयड है, वह कहता है इसी से उपजी यौनिकता है, वो कहता है ये सारी फैमिली की जो कंसेप्ट है यह पूरी के पूरी एक सिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ध्यान रहे, उसने जो टोटेम्स एंड टैबूस, उसकी कृतियां आप पढ़िए, उसने एक कृति, उसकी एक कृति है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, सभ्यता और सभ्यता के विद्रूपित तत्व, जरा पढ़ी, कौन से सभ्यता के विद्रूपित तत्व हैं? पहला तत्व है उसका, तत्व है जिसे आप रिलीजन कहते हैं,
जिसको आप धर्म के, हम लोग तो रिलीजन हमारे यहाँ कोई कल्पना नहीं है, आप धर्म के रूप में कल्पना करके देखिए कि धर्म उनके यहाँ एक विद्रूपित यौनिकता से उपजा हुआ टर्म है, उपजा हुआ प्रत्यय है, क्योंकि धर्म से जिस प्रकार की सेक्सुअलिटी, जिस प्रकार की चिंतन, जिस प्रकार से इड और सुपर ईगो के बीच में जो ईगो है, जो ईगो जिस प्रकार से विचरण करता है, वो जो ईगो है, जो मन है, आपके यहाँ योग चित्त वृत्ति निरोध, ये तो बड़ी अजीब बात है, मार्क्स फ्रॉइड तो कह देगा ये तो रिप्रेशन ऑफ ईगो है, ये तो आपके अवचेतन, चेतन, देखिए चेतन अवचेतन और फिर एक परम चेतन, आप उनके यहाँ ओवर माइंड जिसे कहा गया, ध्यान रहे इन पर जो बहुत गंभीर चिंतन भारत में भी हुआ। एक चिंतक का नाम आपको बताता हूँ, बहुत कम जिक्र होता है उसका, उसका आप नोट कर लीजिए, गिरीन्द्रनाथ बोस। गिरीन्द्रनाथ बोस ने फ्रॉइड से 30 सालों तक पत्र व्यवहार किया। गिरीन्द्रनाथ बोस इंडिया का पहला फ्रॉइड का डिसाइपल गिरीन्द्रनाथ बोस था, जिसने कि इंडिया में पहला हॉस्पिटल ऑफ सेक्रेटरी स्थापित किया कलकत्ता में, और जिन्होंने फ्रॉइड से 1927 से लेकर और 1939 तक उन्होंने लगातार फ्रॉइड पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत में मन, भारत में बुद्धि, भारत में अहंकार आप साइकोएनालिटिक थ्योरी से नहीं समझ सकते, भारत का समाज मात्र केंद्रित समाज है। ध्यान रहे ये गिरीन्द्रनाथ बोस ने फ्रॉइड से कहा, भारत में पितृसत्ता नहीं है, भारत की मानसिकता में पिता प्रधान नहीं है। उन्होंने जब ईडिपल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण दिया कि एक 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 जो बेटा है उसकी स्वाभाविक प्रकृति होती है मदर फिक्सेशन, कि वह माँ से यौनिकता सेक्सुअल डिजायर करता है माँ की, और एक बेटी जो है उसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, वह अपने पिता से यौन संबंध स्थापित करना चाहती है। लुक एट दिस, उन्होंने कहा कि जहां मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, उस पुण्य भूमि का यह दर्शन नहीं है। इसलिए जो भारत में जो जिसे आप फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस कहते हैं, जब भारत में सबसे पहली बार इस पर चिंतन हुआ कलकत्ता में हुआ, तो उन्होंने उपनिषद, उन्होंने वेदों, उन्होंने भारत की स्मृतियों, खासतौर से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति, उन्होंने अर्थशास्त्र का जिक्र किया, चाणक्य की अर्थशास्त्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसा अर्थ और ऐसा काम, उन्होंने कहा अर्थ और काम, पूरे महाभारत में देखिए अर्थ और काम दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, तो काम का ऋषि होना हमारे लिए तो फ्रॉइड इज नो प्रॉब्लम। अर्थ और काम जिसके ब्रैकेटेड बाय व्हाट, ऑन वन हैंड देयर इज धर्म, धर्म विल गाइड अर्थ एंड काम। इसलिए मैंने कहा कि हमें सेक्सुअलिटी से भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट ए टैबू, बिकॉज धर्मा विरुद्ध काम। इसलिए काम सूत्र जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो इसका जिसे आप सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, जो काम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काम का जो सूत्र है वह शुरुआत धर्म से होता है, और उसका अंत में सूत्र यह है कि यदि आप काम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले धर्म को समझिए, क्योंकि धर्म के तत्व में ही काम का सार छिपा हुआ। लुक एट द लास्ट वर्स ऑफ काम सूत्र, और आपके दर्शन में जाइए, दर्शन में अभ्युदय और निःश्रेयस, जिसमें अर्थ और काम दोनों है। इसलिए वो चाणक्य कहता है कि जो धर्म का आधार, वो कहता है धर्म का आधार अर्थ है, और अर्थ और काम के सहायता से ही धर्म की वृद्धि होनी है। नो बाइनराइजेशन, नो डाइकोटोमाइजेशन बिटवीन जिसे आप सेक्सुअल डिजायर कहते हैं और सेक्सुअल, ध्यान रहे सेक्सुअल डिजायर खजुराहो के इसे ज्यादा इरोटिक क्या होगा आशुतोष, टेल मी, जिसको आपने बच्चों को छुप छुप के पीपिंग टॉम की दृष्टि से आपने बच्चों को हमारी उन दार्शनिक कोटियों को, द होल वर्ल्ड, हमने काम को स्वीकारा, यौनिकता जिसे आप सेक्सुअलिटी कहते हैं, दिस होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ लस्ट, एको अहम बहुस्यामा, मैं काम से विमुख कैसे हो जाऊं। कामुक होना बुरा नहीं है, हमने बताया कि ये संसार में जो पशुत्व है, ध्यान रहे शिव का एक नाम पशुपतनाथ है, ये पशुत्व है जो सारे हमारे जितनी हमारे यहाँ बड़े बड़े हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं उनके बाहर, चाहे वो शिव मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, और चाहे शाक्त परंपरा के मंदिर हो,
उसके यहाँ यौनिकता जो आपके इरोटिक फिगर्स है, बिकॉज दैट इज द पाशविकता, वो एनिमल बीस्टियल एग्जिस्टेंस है आपका, जो आपको वो बताता है। लेकिन वो कहता है कि इससे आगे अगर आप इस पशुत्व से देवत्व की ओर जाते हैं, तो देवत्व की ओर आप जाएंगे आपको पशुत्व को सब्लिमेट करना होगा, यू हैव टू ट्रांसेंड, आपको उस पशु, इसीलिए जो हमारे यहाँ मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, हम पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। आशुतोष भाई, आप तो तंत्रालोक के एक्सपर्ट हैं, याद करिए तंत्रालोक में अभिनव आचार्य अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, ये संसार पूरा विश्व पशु है, लेकिन उस पशुत्व से ही तो आप शिवत्व की ओर जाते हैं। आपको पशुत्व भी दिखा रहे हैं, उसके विभत्स फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखाइए कि यह पशुत्व है जो कुछ वहां खजराओं में अंकित है, लेकिन उसके अंदर भी का तत्व भी तो बताइए। तो फ्रॉइड की एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रॉइड के दर्शन ही आपकी ज्ञान का आधार हो जाए, जिसमें कि बेटे ने, हमारे पंजाब में तो जब तक झप्पी नहीं पाता है तब तक, हमारे पंजाब इज ए मेंटली सिक सोसाइटी, ओवर सेक्स सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड फ्रॉइड बोथ, जिसमें यत्र सर्वत्र विश्व भवत एक नीडम, जिसमें कि चराचर न केवल लिविंग बीइंग्स का यह विश्व है, ध्यान रहे जो नॉन लिविंग है, इस विश्व की परिकल्पना में जितना जड़ का उतना ही चेतन का, जड़ और चेतन में द्वंद्व नहीं है, इसलिए काम अचेतन में भी है, काम जड़ में भी है और चेतन में भी, यह विचित्र बात है। जब एक और हमारे यहाँ साइंटिस्ट जगदीश चंद बसु ने बताया कि किस प्रकार से पौधों की कामुकता होती है ना, पढ़िए जरा जगदीश चंद बसु को, सबसे पहले उसने बताया कि कैसे पौधों की अपनी कामनाएं होती हैं, पौधों में कैसे पुष्पन और पल्लवन उनकी कामुकता के द्वारा होता है, लेकिन कामुकता या यौनिकता ही ध्येय बन जाए। जिस समाज में, ध्यान रहे, जिस समाज में लिंग की पूजा होती हो, और ये मार्क्स ने कहा कि जिस समाज में फैलस वर्शिप हो, वह कितनी सिक सोसाइटी है, कितनी सेक्स ऑब्सेस्ड सोसाइटी है। उसने लिंग का अर्थ, उसने योनि का अर्थ, तो हमारे बच्चों को कौन समझाएगा, लिंग का अर्थ कौन बताएगा, शक्ति का अर्थ कौन बताएगा, शक्ति का विमर्श कौन बताएगा। इसलिए हम उस विकासवाद का मैं विरोध करता हूँ जो डार्विन ने पनपाया। हमारे यहाँ श्री अरविंदो का दर्शन है, आप दूर मत जाइए, कितने बच्चों को श्री अरविंद का विकासवाद बताया जाता है, जिसने श्री अरविंद ने मार्क्स को, डार्विन को और फ्राइड को, तीनों को मिलाया। आप जरा देखिए उनका इंटीग्रल योग, जो उनका इंटीग्रल योग है, योग डे मनाया था ना, किसी ने श्री अरविंद को याद किया, सिर्फ मस्कुलर बने रहना, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना आयुष की कल्पना है, योग की परिकल्पना है, किसी ने याद नहीं किया। आशुतोष जी, मैं श्री अरविंदो के इंटीग्रल योगा से कुछ चीज उद्धृत करना चाह रहा हूँ। क्या है विकास हमारा, जो आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक, सो इंटेलेक्चुअल, जिसे मेंटल कहते हैं, इंटेलेक्चुअल, और जिसको आप कहते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल, ये तीनों ही विकास की, इसीलिए अन्नमय कोश हो, चाहे वो प्राणमय कोश हो, चाहे वो मनोमय कोश हो, ध्यान रहे उनके यहाँ मनोमय कोश ऐसा नहीं है जो प्राणमय कोश पर हो, और प्राणमय कोश वो है जो अन्नमय कोश पर आधारित है, और फिर उसी मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश आता है जो आनंदमय कोश की ओर जाता है, जो बाद में कारण शरीर में जाके अंतर्भुक्त होता है। उनके यहाँ इस प्रकार का कोई चिंतन नहीं, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं विकास, श्री अरविंद के अनुसार एक ऐसा शब्द है जो केवल पदार्थ में जीवन और जीवन में मन, ध्यान रहे पदार्थ में जीवन, क्या ऐसा कोई कोटी है पश्चिम में, पदार्थ में जीवन, ये मेरे सामने ये जो पुस्तक है इसमें जीवन है, ये जो मेरे सामने घड़ी है इसमें जीवन है। पश्चिम जब 1931 में आइंस्टाइन, जिनका तो आपने जिक्र किया, आइंस्टाइन की मीटिंग टैगोर से होती है 1931, ध्यान रहे फ्रॉइड पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था रोमिया रोला का, नीत्शे का और शोपेनहावर का, और ध्यान रहे आशुतोष इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, उपनिषद और भगवत गीता का, इन लोगों ने पढ़ा था,
तो प्रकारांतर से आप कह सकते हैं कि फ्रॉयड ने क्या कहा, मालूम है आपको अपने लेटर्स में, दैट ही सेंट टू गिरीन्द्रनाथ घोष, कि मैं इतना डर गया हूं, किसको, रोम्यारोला, और रोम्यारोला से, और शोपेनहावर ने जब ईस्टर्न मिस्टिसिज्म वो कहता था, मैं इतना डर गया हूं कि मैं अब इसको पढ़ना नहीं चाहता। तो जब आइंस्टाइन ने टैगोर से सवाल किया कि जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं उसमें एक मेज पड़ी हुई है, मेज रियलिटी है, मेज का पड़ा होना यथार्थ है या यथार्थ क्या है, तो टैगोर ने कहा यथार्थ हमारा मन है, यथार्थ हमारा चित्त है, मेज का पड़ा होना उस यथार्थ का लक्षण है। आप समझ में आया ना, कमाल हो गया, आइंस्टाइन वाज टेकन अबैक। ये वह आइंस्टाइन है जिसने के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उन्होंने कहा मैं तो रिलेटिविटी ही कह रहा हूं, माय दिस टेबल दैट एग्जिस्ट हियर इज रिलेटिव टू माय कॉन्शियसनेस। समझ में आया, मेरा चित्त, मेरी चेतना प्रमुख है, क्योंकि यह जड़ और चेतन इन दोनों का आधार चेतना है, इसलिए मेज का जड़ होना या मेज का चेतन होना मेरे लिए मतलब नहीं करता, मेज का असत भाव है, लेकिन मेज का सत भाव है जब मेरी चेतना में सत चित आनंद, जब मेरी चेतना मेरे चित में जब मेज का सत आएगा, समझ में आया ना, सत के लिए चित आवश्यक। तो आइंस्टाइन ने प्रतिप्रश्न किया, ध्यान रहे ये कोटियां डार्विन और फ्रॉइड की है और प्रकारांतर से मार्क्स की है, क्योंकि मार्क्स तो कहता था कि मेज डाल दो, कुर्सी डाल दो, आप स्कॉलर बन जाओगे। What is economic or historical materialism? कि आप जितना ज्यादा एसी में रहोगे आप आसानी से अपना अध्ययन कर सकते हैं, this is Marxian historical materialism, जैसा परिवेश आप बना देंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे विश्व, हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति है, हमारा ऋषि तो वहां बैठा होता था। आधुनिक ऋषियों की भी बात कर लीजिए, टैगोर ने कहां स्थापित किया था शांतिनिकेतन, आनंद कुमार स्वामी ने कहां किया, गांधी ने कहां किया, श्री अरबिंदो ने कौन सा स्थापित किया आश्रम, तो अरबिंदो कहते हैं पदार्थ में मन इसके क्रमिक विकास की घटना को बताता है, हमारा विकास पदार्थ में, जीवन जीवन में पदार्थ, पदार्थ में मन और मन भी पदार्थ, न्याय वैशेषिक सांख्य, आप जरा सांख्य की दृष्टि से देखिए, आप जरा न्याय वैशेषिक की दृष्टि से देखिए, है ना। फिर वो कहते हैं कि हमारा मुख्य तर्क है किसका, भारतीय ज्ञान परंपरा, कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसमें कि जीवन को मात्र भौतिक तत्वों से बना हुआ माना जाए। ध्यान, वो कहते हैं जीवन की फिजिकैलिटी जो है यह जीवन नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं कि हम यह भी नहीं कह सकते कि मन को जो भौतिक रूप से उपस्थित है और जो जैविक रूप से उससे उपस्थित है, इन दोनों के द्वारा, जिसे आप डिटरमिंड कहते हैं, जिसे आप इन दोनों के द्वारा, जिसे आप कहते हैं ना क्रियान्वित हो जाता है हमारा मन, इन ऐसा भी नहीं है कि हमारा मन जो है वो इनके द्वारा क्रियान्वित होता है, इसके अलावा मन की कोई सत्ता नहीं है। फिर वो कहता है, श्री अरविंदो कहते हैं कि इसका समाधान वेदांत देता है कि चित्त मन और वस्तु में अंतर संबंध क्या है, इदम और अहम में अंतर संबंध क्या है, यह सारी बाह्य सत्ता है और आपकी चित्त सत्ता है, इन दोनों में अंतर संबंध क्या है, यही तो प्रॉब्लम है। मार्क्स अपने तरीके से, फ्रॉयड अपने तरीके से, और तीसरा डार्विन अपने तरीके से। तो वो कहता है कि जब तक आप इस आध्यात्मिक, जिसे एकात्मिक विकास कहते हैं, उसको न स्वीकार लें कि जीवन पहले से ही पदार्थ में है, अब आप कमाल कर दिया, जिसे आप जीवन कह रहे हैं वह पहले से ही उस पदार्थ में है, वह जड़ है या चेतन है, वह पदार्थ। और फिर वो कहते हैं कि उस और मन जीवन में सम्मिलित है, जिसे आप मन कहते हैं वह जीवन में सम्मिलित है। अब आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जड़ में भी है, चेतन में भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो जैविकता है, जिस प्रकार से जीवों में प्रकाशित होती है, उद्घाटित होती है, वैसी जो जड़ तत्व तो है, जिसे हम जड़ कहते हैं, उस तरह उद्घाटित नहीं होती, हालांकि दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं, और चूंकि ऊर्जा के रूप हैं इसलिए दोनों में प्राण तत्व तो है।
यह ध्यान रहे। इसलिए दोनों में प्राणिक शक्ति है, प्राणिक शक्ति की विविधता। इसलिए शिव तत्व तो सभी में है, वह शिव तत्व किस प्रकार से इसलिए ये बहुत गंभीर बात है कि पूरी तरह से वह जो शक्ति का विमर्श है, जो विकास का हमारा सिद्धांत है, उसको अगर आप शैव दर्शन से समझें, उसको आप श्री अरविंदो ने उसी प्रकार से अपना दर्शन बनाया, एकात्मक विकास दर्शन। उन्होंने कहा कि जिसे आप जीवन कहते हैं वह आपकी आवरण युक्त मानसिक चेतना है, वह आपकी चेतना भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी चेतना के क्या है, एक तो फिजिकल है, एक मेंटल है, एक फिजिकल है, एक मेंटल है, और एक स्पिरिचुअल लेवल है। इसलिए श्री अरबिंदो कहते थे कि जो फिजिकल है और जो मेंटल है उसमें परस्पर द्वंद्व नहीं है, क्योंकि फिजिकल के बिना मेंटल क्या नहीं होता है, डायनेमिक नहीं होता। और इसलिए हमारा आचार्य जब शिष्य आता था तो गुरु कहते थे जाइए पहले अग्नि से सीख के आइए ब्रह्म क्या है, जाइए पहले पक्षी से सीख के आइए ब्रह्म क्या है। एक लकड़ी देता था, जाओ इस लकड़ी से अग्नि की स्थापना करो और सीखो कि ब्रह्म क्या है। अग्नि की जाओ पक्षियों से सीखो अग्नि क्या है, जाओ वनस्पति से सीखो अग्नि ब्रह्म क्या है, रियलिटी क्या है, तत्व तो क्या है। यह जो आवरण है चित्त पर, जो आवरण पड़े, इसलिए जो आपका अष्टांग योग था, जो मार्ग था जिसमें यम और नियम था, प्रत्याहार था, है ना, जिसमें प्राणायाम था, जिसमें धारणा ध्यान समाधि है, यह एक जो एट फोल्ड पाथ है, वह क्रमशः आप उस आवरण को अलग करते जाते हैं। जितना आप आवरण को अलग कर लेते हैं उतने ही तत्व के आप निकट आते जाते हैं, उतने ही आप अर्थ के निकट आते जाते हैं, उतने ही आप मानसिक नहीं, उतने ही आप अपनी उच्चतर चेतना की अवस्थाओं को प्राप्त करते जाते हैं। इसलिए जो तत्त्वम असि है वह कोई उस प्रकार की अवस्था नहीं है कि जो मैं हूँ वह दूसरा भी वही है। तत्त्वम असि की अगर आप बिल्कुल अद्वैतिक वेदांतिक व्याख्या देखें तो यही तत्व भी त्वम है और त्वम भी तत् है, क्योंकि तत्त्वम असि न तत् के संबंध से त्वम को जाना जा सकता है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। जब त्वम है ही नहीं तो तत् के आधार से त्वम कैसे जाना जाएगा, त्वम के आधार से तत् नहीं जाना, क्योंकि जब हम आधार त्वम को मानेंगे या अहम को मानेंगे तो इदम को जानेंगे। वो कहते अहम और इदम ये एक ही चेतना के दो रूप है। ऐसी चेतना को हमारे भारत की ज्ञान परंपरा ने केंद्र में रखा और द्वंद्वात्मक चेतना को केंद्र में रखा मार्क्स ने, फ्रॉइड ने और डार्विन ने। द्वंद्वात्मक चेतना के अंतर्गत आप किसी न किसी की पराधीनता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है वह अविलंबित है किसी दूसरे की शक्ति पर। वो दूसरे की जो सत्ता है वह आपको स्वतंत्रता देती है, इसलिए आपकी स्वतंत्रता वास्तव में न स्व उसमें न स्वत्व है और न उसमें कोई स्वतंत्र है। इसलिए आप नोति स्वराज्यम, यह क्षण आपके पास आया ही नहीं, ना आपने स्वत्व को जाना ना आपने स्वतंत्रता को जाना, इसलिए आपका विकास नहीं हुआ, आपका विकास रुद्ध हो गया। आपने जो हमारा विकास का दर्शन था, जो हमारा साम्य का दर्शन था, जिसके के केंद्र में एक तरफ आप मार्क्स को पूर्व पक्ष लीजिए तो वेदांत हमारा जो हमारा मुख्य पक्ष है, जो हमारा उत्तर पक्ष है वह वेदांत होना चाहिए था, जिसके अंतर्गत आप चाहे दक्षिण से लाइए, दक्षिण की भक्ति परंपरा लाइए, दक्षिण का तत्व मीमांसा लाइए, तिरुकुराल लाइए, मणिमेख लाइए, उनका शीलबद्ध कर्म लाइए, चाहे अनेकांतवाद जैन का दर्शन लाइए, बौद्ध प्रतीत समुत्पाद लाइए, आप किसी दर्शन से आप जाएंगे, भारतीय तत्व दर्शन जो है उसमें चेतना का विकास है, उसमें शारीरिक विकास की कोई संयोजना नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा गया है शरीर को चेतना के विकास के योग्य बनाना हमारा धर्म है। ध्यान रहे, शरीर की अवहेलना करना हमारे यहाँ अपराध माना गया है, क्योंकि खलु धर्म साधना में, लेकिन शरीर ही साध्य है ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ जो अघोरी लोग कहे गए हैं, अघोरी लोग, ध्यान रहे, जिनको हमारे यहाँ तांत्रिकों को समाज से बाहर रखा गया, हमारे यहाँ अघोरियों को, लेकिन तंत्र एक इतना बड़ा, हमारे यहाँ तंत्र एक, आप ज्ञान भैरव पढ़ें,
आप विज्ञान भैरव इतना बड़ा दर्शन का ग्रंथ, शिव तंत्र, कौल तंत्र इतना बड़ा ज्ञान का दर्शन है। हमारे यहाँ जो तांत्रिक थे, जो के वामाचार में लिप्त थे, उनको समाज से बाहर रखा गया। उनसे कहा कि आप अपनी वैयक्तिक साधना करिए, क्योंकि वह आपके वैयक्तिक मोक्ष के लिए है, इसलिए उन तांत्रिकों को बाहर रखा गया। अघोर, जिनका नाम से अघोर होना है, अघोर का मतलब अहिंसक होना, लेकिन वो घोर हिंसक बन गए, उनको समाज से बाहर रखा गया। समाज ने बाहर किया उनको, क्योंकि समाज में स्वीकृति फ्रॉइड की होना, जैसे कि आपका, आप कहें कि जो हमारे यहाँ विकृत, जिसे विकृत यौनिकता कहा गया, लेकिन आज कह दिया गया कि LGBT है, आप लेस्बियन हैं, आप क्वीर हैं, आप होमोसेक्सुअल हैं, ये आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस है। ध्यान रहे, इन सब की स्वीकृति आपके किसमें है, आपके काम सूत्र में। आपकी यौनिकता, किस प्रकार की यौनिकता का वर्णन आप करते हैं, उसमें इवन आदमियों का और पशुओं का भी संसर्ग है। आप कितना नीचे गिरोगे, आप अपनी यौनिकता को लेकर कितना विभत्स हो सकते हैं, आप उतने विभत्स नहीं हो सकते जितने विभत्स हमारा सबसे बड़ा काम का आचार्य था। उसने कहा ये स्थितियां हैं, लेकिन ध्यान रहे, इन स्थितियों को लेकर आपका काम धर्म केंद्रित नहीं होगा, आप पशुत्व से और गहने गहरे पशुत्व की ओर आपकी नियति हो रही है, इसलिए आप विनाश की ओर उन्मुख। यह विनाशोन्मुख, जिसे अधम काम का अधमतम रूप कहा गया, उसको भी स्वीकारा। आपके यहाँ गांधर्व विवाह को स्वीकारा, आपके यहाँ ठीक है, आप गांधर्व विवाह कर लीजिए, टैबू नहीं है, उसको मारा नहीं जाता, उसका सर तन से जुदा नहीं होता। यह तो एक, हमारे यहाँ विवाह सूक्त पढ़िए जरा, ऋग्वेद में 85वां, 10वें मंडल का 85वां सूक्त, यम यमी संवाद। फ्रॉयड ने जिसको टेबू माना, इंसेस्ट माना, वहां पर शास्त्रार्थ होता है यम और यमी के बीच में, इंसेस्ट के ऊपर। जरा देखिए तो निष्कर्ष क्या है, जो फेमिनिज्म आपके ऊपर लाया, जो एक प्रकार की आपकी सोशल इंजीनियरिंग की गई कि हर स्त्री और हर पुरुष एक दूसरे का न केवल प्रतिद्वंदी है बल्कि शत्रु है, एक कोटि बना दी, एक विमर्श की कोटि बना दी गई, और आपके यहाँ समाज कैसा है, जो मात्र सत्ता केंद्रित है, जिसमें शक्ति के बिना शिव का कोई स्थान नहीं, जिसमें के मात्र केंद्र में है, जिसमें शक्ति केंद्र में है, जिसमें के चाहे वो आपका, जिसे हम कह देते हैं कि यह तो हमारा एक अर्धनारीश्वर है, नहीं, अर्धनारीश्वर ही नहीं, आप हर जगह आप देखेंगे कि शक्ति का केंद्र है। इसलिए आपका विकास, आपका विकास कैसे है, जब आपकी शक्ति पूंजीभूत होकर, जब परम शक्ति, जब आप परम शिव की ओर जाने लगते हैं, हमारे यहाँ वही आपका विकास है। हमारे यहाँ तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, वही शिव चाहिए, वही शिव का, शिवत्व का संकल्प चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको फिर सावधान करना चाहता हूँ कि कैसे मार्क्स को, इन लोगों को डर लगता था भारत से, देवर अफ्रेड ऑफ दिस काइंड ऑफ, जो हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे धर्म का दर्शन था, क्योंकि उनका जो भौतिकतावादी दर्शन था उसमें ना धर्म था, ना अध्यात्म था, ना अद्वैत था, और उनके यहाँ द्वैत भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ द्वैत अद्वैत का निषेध नहीं है। उनके यहाँ जो द्वंद्वात्मक है वह द्वैतात्मक नहीं है, यह ध्यान रहे, पश्चिम का विमर्श द्वैतात्मक नहीं है, वह द्वंद्वात्मक है, वह विरोधात्मक है। तो ये जो मूल, जैसे क्या आप सोच सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है वह जागृति और सुषुप्ति और जिसे आप कहते हैं तुरिया भाव की अवस्था, क्या उसका विमर्श है, क्या उसमें डिस्कोर्स ऑफ स्लीप या डिस्कोर्स ऑफ ड्रीम्स जो फ्रॉइडियन इंटरप्रिटेशन है, क्या आपकी जागृत अवस्था, सुषुप्ता अवस्था और तुरिया अवस्था, तो आपका विमर्श क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने फ्रॉइडियन डिस्कोर्स को लिया, आपने परस्पर विरोधी होकर इस सारे समाज की संरचनाओं में, जब तक परस्पर विरोध नहीं होगा, जब तक परस्पर संघर्ष नहीं होगा और हिंसा नहीं होगी, और उस हिंसा से क्या उपजेगा, यह दर्शन बताने में असमर्थ है। इसलिए यह ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा विरोध मार्क्स का पश्चिम में हुआ, जिन्होंने कहा कि यदि सबसे बड़े रेसिस्ट हैं, ये किसी भारतीय ने नहीं कहा, ये आपको पश्चिम में, आपको इसकी पुस्तकें, एक पुस्तक लिखी गई अभी 2018 में, इंडियाज फ्रॉयड,
उसमें जरा देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने सिलसिला हेल्फ बेटेल ने लिखी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2018 में, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से फ्रॉयड कितना ज़्यादा भयभीत था भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से, भारत की चेतना की दृष्टि से, किस प्रकार से मार्क्स ने भारत को अपने पूरे विमर्श में एक एक ऐसा जिसे आप जंगली भी कहना गलत है, उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा पशुता का, एक ऐसा यौनिकता से ग्रस्त जंगलियों का समाज है जिसमें जिसकी की कोई भी नियति नहीं है, जिसकी की जिसका नष्ट हो जाना ही जिसकी नियति है, जब तक कि यह पाश्चात्य उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकर यह सभ्य होना नहीं जानता, यह इतिहास को नहीं जानता, उनके लिए इतिहास एक क्रमिक विकास है। तो ध्यान रहे, ये प्रत्यय हैं जो कि हमें अपने बच्चों को शुरू से बताने थे कि यौनिकता क्या होती है, यौनिकता क्या होती है, पशु होना क्या होता है, विकास क्या होता है, प्रगति क्या होती है, ये मूल प्रत्यय थे। और अगर आप डार्विन का सृष्टिवाद पढ़ाना चाहते हैं तो सृष्टि का विकासवाद जो भारत के हर पुराण में एक सृष्टि विज्ञान है, हर पुराण में, वेदों में सृष्टि विज्ञान है, आप सृष्टि विज्ञान के वो कोटियां जिनसे के आज अगर आप नासा की बात करें तो वो अपनी जो थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में जो वैदिक वर्सेस हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों में जिस प्रकार से सृष्टि की व्याख्या हुई है, जैसा कि आचार्य मधुसूदन ओझा जी और आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने जिस प्रकार से पूरे उन कोटियों की चर्चा की जो कि आज विश्व में जिसमें विज्ञान उलझी हुई है, जो उनका पूरा विज्ञान आज जो है वो ये कहता है कि ये जो नाद है ये कैसे भारतीयों ने कल्पना की कि देयर इज ए पोजीशन ऑफ अनहद नाद, नाद हो कैसे सकता है, व्हेन द टू कोलाइड ओनली देन देयर इज नॉइज, बट इंडिया सेज देयर इज ए नॉइजलेस नॉइज, दैट देयर इज ए वॉइसलेस वॉइस, देयर इज ए melodyless music, there is a melodyless melody, what is that nad which is without any anahad, jo ki kisi conflict par nahi hai, to us anahad ki or badhna, ye aapko bharat mein vikas ka lakshan mana jata hai ki hum kis prakar se murt se amurt aur amurt se murt. To main sankshep mein aapse ye kehna cha raha hu ki agar aap वेदों की तरफ नहीं आते, जो तर्क तथ्य और विज्ञान तीनों की दृष्टि से आप वेदों का अगर आप अध्ययन नहीं करते, बच्चों के लिए आपने एनसीईआरटी को वह सामग्री और वह टर्मिनोलॉजी बनानी चाहिए थे, उनके कोष क्यों नहीं आपने बनवाए, जो पुस्तकें जो मेरे पास उपलब्ध हैं उनके सहायता से क्यों नहीं हमें बुलाया गया या आशुतोष को बुलाया गया शिक्षा मंत्रालय की ओर से, क्यों नहीं बुलाया गया ऐसे विद्वानों को जो उन प्रत्ययों का सही अर्थ बच्चों को देते और उसके साथ बताते कि कैसे मार्क्स, फ्रॉयड और डार्विन यह एक विखंडनवाद के, यह विनाशवाद के किस प्रकार से यह आचार्य हैं, विद्वान हैं, हमें भारत को विनाश से, विखंडन से और अधर्म से बचाना है, इसलिए इनकी चिंतन परंपरा को भी प्रणाम, क्योंकि पश्चिम में उस प्रकार का ध्वंस आवश्यक है जिस प्रकार से पश्चिम प्रगति कर रहा है। आप देखिए, एक तरफ रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस ही हो सकता है, क्रॉस आवश्यक है। आप देखिए, एक तरफ वहां अघोषित विश्व युद्ध चल रहा है, अघोषित, ये किनकी सभ्यताओं के बीच है, हंटिंगटन ने जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कहा वो सिविलाइजेशंस ही विकसित सभ्यताएं हैं, वो डार्विन और मार्क्स को लेती हुई और फ्रॉयड को अंतस्थ करती हुई वह सभ्यताएं हैं जो आज विश्व को के विनाश को के लिए कृत संकल्प। तो इस प्रकार का विश्व गुरु भारत बने तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जैसे ही इन अवर ऋषियों को अपने भारत के ज्ञान के केंद्र में रख देते हैं, भारत विश्व गुरु नहीं, भारत उसी प्रकार की विनाश की ओर उन्मुख होगा जैसे कि पश्चिमी विश्व उन्मुख हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पूरी क्षमा याचना के साथ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह सका, क्योंकि हास्यास्पद होगा ये कहना कि आप यार मार्क्स को, फ्रॉइड को और डार्विन को, जिन्हें मतलब क्या होता हूँ ये, तो उनको आप 45-50 या एक घंटे में उनके ऊपर, फिर संस्कृत शास्त्रीय विमर्श को भी आप ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, और उसमें मैं चाहता हूँ कि
हमारे बच्चों को ये जो तत्व ज्ञान है ये स्कूल से शुरू हो। ये मेरे और आपके और आचार्य वीरेंद्र जी के साथ इनकी चर्चा तो की जाए, लेकिन इनका क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा से हो, तब धीरे धीरे आकर उन बच्चों को मार्क्स को दे कैन आंसर बैक। अभी हालत ये है कि अगर मार्क्स, आप जरा विश्वविद्यालयों का हाल देखिए, विश्वविद्यालय में जैसे ही मार्क्स का, फ्रॉइड का और डार्विन का नाम आता है, हमारे बच्चे आतंक से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था क्यों? धन्यवाद। बहुत बहुत आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिवादन आपका। आपने अपने ज्ञान के विस्तार से, जैसे हमारे संक्षिप्त ज्ञान को आपने अग्रसर किया है और उसे दिशा दी है, और हमारे ज्ञान का जैसे स्तरीकरण किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और यही अपेक्षित था। संस्कृत के लोग हमेशा बचते रहे हैं ऐसे विषयों को लेने के से, और मुझे लगता है कि ये समय है, समय तो खैर हमेशा ही था, लेकिन कभी इस बात का वो साहस ही नहीं जुटा पाए कि मार्क्स की और डेप्राइड की और डार्विन की वो इस तरह से समालोचना करें। बहुत हद होता था तो डार्विन का वो दशावतार के साथ तुलनात्मकता बता करके वो एक तरह से पीछा छुड़ाने वाली बात थी, बड़ी बचकानी बात लगती है वो तो। लेकिन आपने जिस तरह से आज हमारे सारी समझ को अग्रसर किया है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये समय है कुछ सहमतियां लेने का, टिप्पणियां लेने का, प्रश्न लेने का जिज्ञासाओं के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर चांद भारद्वाज जी एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया है, स्पिरिचुअल पॉलिसीज के ऊपर, उनकी टिप्पणियां लेते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र मलिक जी और डॉक्टर अविनाश जी, प्रोफेसर अविनाश जी जो बुद्धिस्ट स्टडी से हैं, उनकी भी बात लेंगे, लेकिन बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप में अपनी अपनी बात कृपया आप लोग रखें। जी डॉक्टर चांद भारद्वाज जी। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. My camera is, I think, is not working anyhow. So I would request you. It was a wonderful program. Sudhir ji has really done an excellent job by explaining everything so nicely. Itne behtar tarike se unhone bayan kiya hai. Lekin ye bachchon ko jaane ke liye kis prakar main ek proposal de raha hoon, jo Ashutosh ji jante bhi hain. कि हम लोगों ने काम किया है स्पिरिचुअल लिटरेसी फॉर डिजिटल एज विदाउट, आई मीन इट इज प्योरली बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉजिक, क्योंकि आपने सब बच्चों को तो साइंस पढ़ा दिया, अब उनको उस तरीके से अगर हम समझाएंगे तो हम वेदों की तरफ ला सकते हैं उनको। कैसे ला सकते हैं? मेरा एक प्रपोजल है कि सारा कॉस्मोस इज वन लिविंग एंटिटी जिसमें तीन बेसिक चीजें हैं। एक तो फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज हैं जी, 100 and odd एलिमेंट से बनी है, जिसको पांच तत्व भी बोलते हैं, और एक वो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से जो सारे ब्रह्मांड को ऑपरेट करती है ताकत, उसको हम यूनिवर्सल माइंड कह सकते हैं, ब्रह्मांडी मन, और उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 2G 3G 6G इंटरनेट सब उसमें एम्बेडेड है। उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ भी विद्यमान है, अगर एप्पल गिरता है तो न्यूटन कैलकुलेट्स द लॉज ऑफ नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन एनर्जी व्हिच इज एनर्जाइजिंग इट, क्योंकि पार्टिकल और वेव थ्योरी से उसको एनर्जाइज करती है। तो मैं कह रहा हूं कि सिंबॉलिकली अगर हम इस विषय को ले लें कि ब्रह्मांड तीन है और हम उसके पार्ट हैं, हम भी तीन हैं, तो हमारी आत्मा ने मन एक्वायर किया और शरीर बनाया, सिंगल सेल से ह्यूमन बॉडी तक आए, इस किस्म की प्रतिक्रिया अगर हम बच्चों को समझाने लगेंगे कि आत्मा का बाहरी स्वरूप उनका ध्यान है और मन खाली इंफॉर्मेशन है जिसकी चार लेयर्स हैं, ब्रह्मंडी मन, कारण मन, सूक्ष्म मन और स्थूल मन, तो इस तरह से अगर हम बच्चों को नए तरीके से समझाएंगे तो एक नया ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और हम अपने शास्त्रों को इसके मार्ग से बता सकेंगे। ये मुझे कहना था। थैंक यू जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं चाहूंगा कि निकट भविष्य में आप इस अपने मॉडल को हमारे साथ साझा कीजिए एक वेबिनार के रूप में, ताकि उसके ऊपर बाकी सभी लोग भी चर्चा कर सकें और समझ सकें, और फिर उसके आगे के जो मार्ग है उसका प्रशस्तीकरण देखते हैं कि कैसे संभव है। तो निश्चित रूप से बड़ा रुचिकर विषय रहेगा स्पिरिचुअल लिटरेसी इन डिजिटल एज। इसके ऊपर आप अपना वक्तव्य जो है वो जरूर दीजिए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। राजेंद्र जी नमस्कार, सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम।
सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि इस मंच के ऊपर डार्विन, फ्रॉयड और मार्क्स के ऊपर भी चर्चा हम कर रहे हैं। एक दो बिंदु मैं ध्यान में लाना चाहूँगा और उसके बाद मेरा इस वक्तव्य पर कमेंट होगा। इस में कहा गया, मैं भूल रहा हूँ कि मुख्य वक्ता ने कहा या संयोजक जी ने कहा कि तीनों ही जो ऋषि अवर ऋषि रहे हैं वो ज्यूज थे। तो पहली बात तो डार्विन ज्यू नहीं थे, डार्विन क्रिश्चियन थे पक्के तौर के ऊपर, उनका यहूदीज़म ज्यूइज़म से कोई नाता नहीं था। और अपनी रिसर्च के दौरान वो उन्होंने कहा कि अब मैं एग्नोस्टिक हो गया। फ्रॉयड अवश्य फ्रॉयड जो थे वो शुरू में ज्यू थे, ज्यू परिवार में पैदा हुए, नाना और दादा दोनों तरफ के लोग जो थे उनके रब्बी भी थे, किंतु उनके जन्म से पहले फ्रॉयड का परिवार क्रिश्चियन बन गया था। और ऐसे ही मार्क्स तो खैर यहूदी थे और बाद में वो एग्नोस्टिक हो गए। ये एक छोटी सी बात थी, असल बात हम आते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा ब्रीफली बोलूँगा डार्विन, मार्क्स और फ्रॉयड के ऊपर। तो इस वक्तव्य में जो आदरणीय सुधीर जी ने दिया, और जैसा कि अनेक विद्वान करते हैं कि जब हम पश्चिम से और पूर्व अपने भारतीय दर्शन की मीमांसा करते हैं तो अक्सर फिर यही होता है जैसा आज भी हुआ कि पश्चिम सिविलाइजेशन प्रेडेटरी है, भोगवादी है, शैतानी है, काम क्रोध दो मत्सर से भरी हुई है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत महान है, एक इस तरीके से बाइनरी प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस होती है क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति एक थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है, जैसे कि आज के युग में हम जी रहे हैं, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और पश्चिम के विद्वानों ने उसके बेसिक ह्यूमन नेचर की एक आस्पेक्ट को हाईलाइट किया है, और हमारे लोगों ने बेसिक ह्यूमन नेचर की दूसरी हाईलाइट को, उसकी उदात्तपन को हाईलाइट किया है, उधर उन्होंने नीचेपन को हाईलाइट किया है। लेकिन सत्य दो हैं, सत्य दोनों ही हैं, हर हमारी नेचर में ही निहित है कि हमारे में अच्छे से अच्छी चीज़ भी है और बुरे से बुरी चीज़ भी है। असली बात मैं केवल डार्विन पे आऊँगा क्योंकि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए डार्विन पे आऊँगा। जब भी हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम कम से कम 1000 साल पीछे चले जाते हैं, और फिर 5000, 7000 और कुछ लोगों का तो हम लाखों तक वर्ष पहले तक चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे प्राचीन विद्वान और वैदिक विद्वान ऋषि थे, वो उस समय के हिसाब से हजारों वर्ष पहले या जो भी हम कालखंड लें, उस समय जितना भी ज्ञान था उसका निचोड़ निकालकर ग्रंथों की रचना कर रहे थे। कहीं पर हम रुक गए, और आज भी हमारी हालत ये है कि आधुनिक विज्ञान में पर्टिकुलरली पिछले 200-250 वर्षों में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस, वो नए विचार, वो नई खोजें हमें बाईपास कर गई हैं, और हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हमें आधुनिक विज्ञान के प्रति एक भय है और एक घृणा है। और हम इतने बड़े वैदिक ऋषियों के जो हम वारिस हैं, हम आधुनिक विज्ञान की कोई बात अपने दर्शन में शामिल करने को तैयार नहीं है। जैसे डार्विन ही में, डार्विन को केवल इसलिए रिजेक्ट कर देना कि वो पश्चिमवाद, पश्चिम के वैज्ञानिक थे, ईसाई थे या जू थे या जो कुछ भी थे, वो भोगवादी थे, ये वादी थे, वो वादी थे, लेकिन जो डार्विन कह गए, उनके जो क्रांतिकारी विचार थे, उसके मर्म को हम समझने को तैयार नहीं हैं। डार्विन की जो कंट्रीब्यूशन है वो उतनी ही बड़ी है जितनी की जब कहा गया कि धरती, ये जो जगत है, ये सूर्य धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, धरती और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जितना क्रांतिकारी वही विचार था, उतना ही क्रांतिकारी डार्विन का विचार है आधुनिक युग में, कि वो कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि का प्रत्येक ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया, और उसके लिए वो प्रमाण देते हैं कि इसका एक सतत विकास हुआ है, और हम सभी जितने जीव हैं इस धरती पर, पेड़ पौधे और सभी लिविंग बींग्स जो हैं, उनका ओरिजिन एक सिंगल सेल से हुआ है, और आधुनिक विज्ञान बताता है कि वो सिंगल सेल भी कहाँ से आया। तो ये बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं हैं, इसका दर्शन पर भी बहुत इफेक्ट होने वाला है,
और कई बार मुझे अजीब लगता है कि इतनी बड़ी कोविड महामारी के बीच से गुजरकर जिस कोविड महामारी में हमने एक वायरस को लगातार इवॉल्व होते हुए देखा है बायोलॉजिकली और नई नई वैरायटीज और उसके जो कोविड की टर्म्स भी लोगों को याद हो गई, वो समाज डार्विन के इवोल्यूशन को आज के युग में नकारे, ये बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो फ्रॉयड और उस पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, किंतु मैं यही कहूंगा कि उन दोनों की भी बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और समाप्त इसलिए कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा मार्क्सी कंट्रीब्यूशंस को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति को आधी रोटी मिल रही है और मैं कंपेयर करता हूं दूसरे व्यक्ति से जिसे कि कोई रोटी नहीं मिल रही है जो भूखा है, तो मैं उस मायने में मार्क्सवादी हूं। तो हर एक में कुछ कुछ सत्य है, मार्क्स में भी कुछ सत्य है, फ्रॉयड में भी सत्य है, डार्विन में भी सत्य है, वैदिक ऋषियों में भी सत्य है, आधुनिक युग में गांधी और भगत सिंह दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन दोनों में कुछ सत्य है, हमें उनको निकालना होगा। जी जी, जितनी भी धाराएं विचारधाराएं हैं सब में से अच्छा लेना, ये नहीं कि सबको गालियां देनी और विरोध करना। राइट, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आपने डार्विन, मार्क्स और फ्रॉयड को ऋषि कैटेगरी में रखा और इस पर चर्चा कराई, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी, और अच्छा लगा कि बायोलॉजिस्ट के रूप में आपने मार्क्स को, डार्विन को इस रूप से, इस पक्ष से हमें परिचित कराया। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई उसकी निंदा करने के लिए कोई उत्सुक रहते हैं और हमारा काम को निंदा करने का है। आप देखें तो हमारे शब्दों का स्तर मीमांसा है, और जब मीमांसा करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उन सिद्धांतों का प्रभाव, उसका विश्लेषण करना है। और जरूरी नहीं होता है कि सारे सिद्धांतों को आप समाज में प्रचलित कर दें, क्योंकि जब आप जानते हैं कि उसका आगे चल करके कैसा प्रभाव होने जा रहा है। और इसीलिए जो सबसे पहला शब्द मैंने बीच में प्रयोग किया, अगर आपने ये ध्यान दें, महताम प्रज्ञापराधा प्रजानाम अधर्मे प्रवृत्ति, आपने जब सर्वाइवल, हालांकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द तो बाद में इन्होंने प्रयोग किया, डार्विन ने, उनका अपना नहीं है, बीच में जब प्रयोग किया तो उस शब्द का लोगों के व्यवहार पे कितना अधिक प्रभाव पड़ा, उसके नैतिक दायित्व से डार्विन नहीं बच सकते। तो ये मीमांसा करने का पक्ष था, और इसीलिए जो है वो हमने पूरे एक विषय के रूप में इन सब चीजों को रखा था। ऐसा नहीं कि उसको अस्वीकार, जिस परंपरा को हम बिलोंग करते हैं वहां तो असुर भी स्वीकार्य लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, एक आशुतोष जी, मैं जी, अगर आप अनुमति दें एक मिनट। पहले ये कि जहाँ पर बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों परंपराएं चलती हैं, आप क्या बात कर रहे हैं आचार्य राजेंद्र जी, कि हम लोग विज्ञान से भयभीत हैं और हम पश्चिम की ज्ञान परंपरा को हम इसलिए उससे घबराते हैं। हमारा ये कभी भी नहीं रहा, हमारे पूरे विमर्श में डार्विन और मार्क्स और फ्रॉयड, इनकी जितनी भयंकर निंदा पश्चिम में हुई है, आप में साहस नहीं है कि आप इनकी मीमांसा भी करें। पहले सीखिए कि इनकी मीमांसा, जो अभी इशारा किया, पूरी इस विश्व में जो इस समय पर्यावरण को खतरा है, पूरे इस विश्व की मानवता को जो खतरे हैं, उसके पीछे ये जो प्रगतिवाद है, ये पूरा जो विकास है, उसकी जो सर्वग्रासी नेचर है, उसका तीन चिंतक हैं, वो हैं फ्रॉयड, डार्विन और मार्क्स। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पश्चिम में मैं आपको 100 किताबों की लिस्ट भेज सकता हूँ जो महान लेखकों ने लिखी है, जिसमें कहा गया है कि आज विश्व की जो तीन महान पश्चिम चिंतक हैं, जिन्होंने कि विश्व की पूरी बौद्धिक परंपरा में एक इतने प्रकार का अवसाद स्थापित कर दिया, दे आर दी प्रोजेनिटर्स ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द मॉडर्न माइंड, यह उसके मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप पहले तो ये गलत कह रहे हैं कि हमने ये बाइनरी बनाया, हम तो ये कह रहे हैं कि जो उनका भी श्रेष्ठ है वो आप, लेकिन वो चिंतक और विद्वान है पश्चिमी सभ्यता, वो भारत की सभ्यता के उन्होंने ना क्लेम किया, वाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट कि मार्क्स ने हमारे बारे में क्या कहा। वह हमारे समाज के लिए जितना उपयोगी हो सकता है, आधी रोटी खाकर ही मैं संतुष्ट रहूंगा, मुझे आधी नहीं चाहिए, अगर उस आधी के लिए आप 4 करोड़ लोगों को मारें, मुझे वैसी आधी रोटी नहीं चाहिए मार्क्स वाली। ये किसने कह दिया कि भारत में इस प्रकार का से? और अगर विवेकानंद भी कहते हैं कि मार्क्स ऋषि है,
तो विवेकानंद का भी मीमांसा की दृष्टि से विरोध होगा। हम क्यों माने कि अगर विवेकानंद भी कहते हैं कि मार्क्स इज ए ऋषि, क्योंकि मार्क्स ने भुखमरी के खिलाफ, कहां पर मार्क्स ने, आप बताइए, गिव मी एन एग्जांपल फ्रॉम कॉन्क्रीट एग्जांपल कि मार्क्स ने किस देश की भुखमरी उसने सॉल्व की। मार्क्स के माध्यम से जितने लोगों की हत्या हुई, जितने लोगों के ऊपर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स, लेबर कैंप्स, जहां आप और हम जैसे बौद्धिक लोग जाते थे, जिनकी स्त्रियों को, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले का पढ़िए, द एनिमल फॉर्म बाय ऑरवेल पढ़िए, और जिस विलियम गोल्डिंग का आपने द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पढ़िए, पश्चिम में जितना विरोध हुआ है, क्योंकि वो उससे उन्होंने इन इन सदा जिन्हें आप ऋषि कह रहे हैं, इनका निकृष्टतम प्रभाव जो पड़ा समाज पे, जो जो कह रहे हैं वो उन्होंने भोगा। तो मेरा मतलब है कि हम भारत में मुक्त दृष्टि से हम चिंतन करें, हम यही मान के बैठ जाएं कि नहीं जी वो उनका सब कुछ सही है, ये नहीं है। आप हमें, आप विश्वविद्यालय में एंटर करते हैं, आप अपनी ज्ञान परंपरा का एक भी प्रत्यय प्रयोग नहीं करते। अच्छा, फिर डार्विन जिसे आप साइंटिस्ट मानते हैं, सबसे बड़ा नस्लवाद का अगर कोई गुरु है, नस्लवाद का, जाति हिंसा का, जरा डार्विन की ऊपर पुस्तकें जो लिखी गई हैं पिछले 10 वर्षों, उनको पढ़िए। डार्विन के बेटे ने डार्विन को नकार दिया, डार्विन सन ओन रिजेक्टेड डार्विन, उसने कहा भयंकर दुष्परिणाम होंगे। तो मेरा मतलब यह है कि भाई बहुत समझ के, यह कोई सरलीकरण नहीं है कि हम उन तीनों को नकारते हैं कि पश्चिम तो भोग की विज्ञान, तो भोग की सभ्यता है। नहीं, पश्चिम का जो ज्ञान है उससे भोग उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए उसके ज्ञान के श्रेष्ठ बिंदु हमें स्वीकार रहे हैं, लेकिन पश्चिम की ज्ञान परंपरा के वह बिंदु हमें स्वीकार्य नहीं है, जिनसे हम भी भोगवादी सभ्यता बन जाए, आधार्मिक सभ्यता बन जाए। बस जी जी, और आचार्य जी की बात को मैं इस रूप में ही लेता हूँ कि मुझे जो भी ग्रहण करना है वो अपनी धरती, अपने शब्द, अपने परिभाषाओं के अनुकूल लेना है। ये नहीं कि भी किसी का भी सत्य है तो मैं उसको उठा के ले आऊं, मुझे अपना, मेरे पास जब अपने शब्द हैं, मेरे पास जब अपनी परिभाषाएं हैं, मेरे पास जब अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो मैं उस दृष्टि से करूं। और यही हमारे संविधान के साथ भी हुई बात कि आप देखिए कि हमारे संविधान में एक भी जो है वो भारतीय मूल्य आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बड़ी विचित्र बात है, और वो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप कहते हैं, इस पे चर्चा रखेंगे तो ऐसा नहीं है, उसमें भी श्रेष्ठतम मूल्य लेकर आए हैं, लेकिन भैया को भारतीय मूल्य भी ले आते। तो वो विचित्र बात है, लेकिन अभी हम नहीं छेड़ते इस विषय को। तो डॉक्टर अविनाश जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी संक्षिप्त सी टिप्पणी। सर्वप्रथम मैं सुधीर जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों पर जो सम्मित प्रकाश डालने का प्रयास किया है वह श्लाघ्य ही नहीं, अनुकरणीय भी है। और उनके इस व्यापक अध्ययन के क्रम में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो पाश्चात्य सभ्यता का जन्म स्वयं को प्रकृति से अलग करने के रूप में हुआ। वहां ईंट और चूने के द्वारा अपने आप को प्रकृति से पृथक करने के रूप में हुआ है, इसीलिए उनके अंदर वो समावेशी दृष्टि का अभ्युदय नहीं हो पाया। इसके विपरीत जो भारतीय चिंतन परंपरा है वो अरण्यों में हुई है, प्रकृति के साथ मिलकर हुई है, इसलिए इनका एंथ्रोपोसेंटिक नहीं कॉस्मोप्रोसेंटिक जो है हमारा चिंतन रहा। और यही कारण है कि हम वृक्षों में भी ईश्वरत्व का दर्शन कर लेते हैं, और जितने प्रकृति के उपादान हैं सबों के साथ अपने आप को जब मिलाकर देखते हैं तो इस समावृष्टि इस दृष्टि के कारण हमारे अंदर जो उदात्त भावों का संचरण हुआ उसका एक कारण यह भी। और पाश्चात्य संस्कृति जो अभ्युदय हुआ वो अपने आप को प्रकृति से जब अलग करके उसका जब अभ्युदय होता है तो उसका चिंतन संकुचित हो जाता है और वो एंथ्रोपोसेंट्रिक हो जाता है, क्योंकि वह प्रकृति के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में न सोचकर वो केवल व्यक्ति के बारे में सोचता है, मनुष्य के बारे में सोचता है। और यही कारण है कि हमारी दृष्टि उनकी दृष्टि से सर्वथा पृथक होती है, और चूंकि हमारी दृष्टि सर्वसमावेशी है इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात अभी कही है कि हम व्यक्ति व्यक्ति के अभ्युदय की बात करते हैं
वहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ ऑल है। इसीलिए जब उन्होंने अरविंद की बात कही तो अरविंद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हमारा विकास का क्रम आरंभ होता है तो जड़ से चेतन की ओर ऐसे ही विकास नहीं होता है। जब तक जड़ सत्ता में चित शक्ति समाविष्ट नहीं होती तब तक जड़ से चेतन का विकास नहीं होता है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है क्योंकि यहाँ पर जड़ और चेतना दोनों समाविष्ट होकर एक साथ अभ्युदय उनका होता है। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति, उनकी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हम फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को नहीं मानकर हम सर्वो भवन्ति सुखना और सर्वे संति निरामया की बात करते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने बड़ी विलक्षण बात कही है जो मेरे लिए भी एक ज्ञानवर्धक है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है ये नास्तीय सूत्र का कि न सदासीनो सदासिप्तदानी नासिद्रजो नो व्योम अपुरोयत, और इस प्रकार एक एग्नोस्टिक स्थिति है, एक यथाभूत स्थिति को उन्होंने दर्शा करके वहां से ज्ञान का जो है विस्तार करने की जो चेष्टा मैंने का वर्णन जो किया है वो अद्भुत ही नहीं विलक्षण भी है। और अंत में जो हमारे यहाँ जाति की बात हुई है तो हमारे यहाँ वर्ण की बात आरंभ से हुई है, वो चाहे गीता में हो, वेदों में हो या बुद्ध में भी हो। बुद्ध ने भी स्पष्ट कहा है कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। तो हमारी जितनी चेतना है, हमारा जितना ज्ञान का स्वरूप विकसित होता गया है, वो चाहे आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, वो हम सब एकत्रित होकर के समावेशी चिंतन करते रहे हैं, कॉस्मोसेंट्रिक चिंतन करते रहे हैं। और उनके साथ जो असुविधाजनक स्थिति थी उनके प्रकृतिजन्य परिस्थितियों के कारण कि स्वयं को दूसरे से अलग करके जो सोचने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई उसके कारण ही उनकी चिंतन पद्धति भी भारतीय चिंतन पद्धति से पृथक हुई। इन शब्दों के साथ मैं वीणा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी के, उनकी एक टिप्पणी तो आवश्यक चाहिए कि वो इस सारे विषय को कैसे देखते हैं या कैसे वो मूल्यांकित करते हैं। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो वहां नहीं है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी को। सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हुए। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, आपको माइक के ऊपर हल्का सा टच कर दीजिए जी। डॉक्टर अरुण जी, मैं वीरेंद्र जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे ध्यान में थे। नहीं सर, अभी भी अनम्यूट नहीं हुए आप। नीचे आप माइक का एक निशान देख रहे होंगे, उसके ऊपर लाइन लगी होगी, तो उसके ऊपर हल्का सा क्लिक कर दीजिए मोबाइल पे। एक वीडियो है, एक मोबाइल है, ये दो तीन चीजें होंगी नीचे रेड से बटन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली रेड से तीसरा होगा, वहां पर आप बिल्कुल स्क्रीन के नीचे जी। तब तक डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, सर आपकी टिप्पणी, तब तक प्रोफेसर वीरेंद्र जी देख लेते हैं कि कहां से। सर आप देख लीजिए तब तक जी। डॉक्टर अरुण जी, हाँ, सभी को नमस्कार। ये तीन बड़े विषय हैं। राजेंद्र जी की शिकायत थी कि भारत के लोग पाश्चात्य ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हम जरूरत से ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। मार्क्सवाद पूरे विश्व में फेल हो चुका है, केवल भारत में ही उसके करोड़ों भक्त बचे हुए हैं। और उसके फेल होने का सैद्धांतिक कारण मुख्य है कि मार्क्स का असंतोष था केवल औद्योगिक मजदूरों के विषय में। वो स्वयं उद्योग में काम करते थे, उन्हें असंतोष था कि पूंजीपति लोग ज्यादा कमाते हैं, मजदूरों को कम पैसा देते हैं, शोषण करते हैं। उन्होंने कृषि के बारे में कभी नहीं सोचा, बल्कि उसकी निंदा की। और कोई भी सभ्यता बिना कृषि के नहीं चल सकती है,
और मार्क्सवाद के नकल के कारण, उसके सिद्धांत पर चलने के कारण सोवियत रूस में कृषि का असफलता हुई। बाद में माओ त्से-तुंग ने उसमें सुधार किया, कृषि और वन विभाग दोनों में सुधार किया। उन्होंने कहा कि कृषि और वन जितने पौधे हैं उनके बच्चे की तरह परिवार के द्वारा पालन होना चाहिए, ये माओ ने सुधार किया। दूसरी चीज है कि केवल मार्क्सवाद नहीं, पाश्चात्य में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में अपूर्णता है कि वो सिर्फ चार तत्व मानते हैं, लैंड, पीपुल, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। भारत में तीन और तत्व हैं जिनमें खास तौर से कोष तत्व है, उसके बारे में मार्क्स ने कभी नहीं ये सोचा कि कम्युनिस्ट पार्टी चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है, देश को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। इस कारण कम्युनिस्ट व्यवस्था में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। उसी तरह से दुर्ग और पुरोहित तत्व है, पुरोहित तत्व के बारे में महाभारत में धौम्य का रोल है, मतलब वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के रूप में काम करते थे। तो दुर्ग एक जैसे प्राकृतिक दुर्ग है भारत का, हिमालय या समुद्र। तो दूसरी चीज है, उन्होंने धर्म को कहा कि वो अफीम है। कम्युनिज्म भी या मार्क्सवाद भी एक तरह का अफीम ही हो गया, वो सबसे नया धर्म बन गया। ये है जहां तक डार्विन का विकासवाद है, वो सिद्धांत रूप में प्रायः सही है, थोड़ी सी उसमें भूल हो सकती है, उसमें बाद में सुधार भी हुआ है। लेकिन भारत में आश्चर्यजनक रूप से दो चीजों की माप बहुत सही हुई है कि प्रायः 95 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वनस्पति हुए, ये वेदों में या पुराणों में इसकी गणना है, या हिमालय का उद्भव प्रायः 10-15 लाख वर्ष पूर्व हुआ, ये नीलमत पुराण में बिल्कुल उसका सही समय दिया हुआ है। डार्विन के समय इतनी शुद्ध गणना नहीं थी। और बस इतना ही मेरा निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी सुंदर आपने ये बात रखी कि ये जो चार तत्व उनके हैं जिसमें से तीन तत्व उन्होंने सम्मिलित नहीं किए हैं जो कि भारतीय परंपरा में आपको उपलब्ध होते हैं, बड़ा सुंदर टिप्पणी है जी। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अब सर अनम्यूट करना पड़ेगा, नहीं आवाज, सर अनम्यूट कीजिए अपने को पहले। प्रोफेसर सर कुमार सर अपने को अनम्यूट कीजिए पहले, नीचे नीचे देखिए सर, आपके मोबाइल के नीचे ही तीन चार यहाँ नीचे आपके मोबाइल के स्क्रीन के नीचे एक रेड बटन, रेड के साथ आपको कैमरे का और कैमरे के साथ आपको माइक का, बस माइक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, टैप कर दीजिए। नहीं सर, नहीं हुए आप, मैं यहाँ से कर नहीं सकता, मेरे पास ये वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। या वैसे आप मोबाइल पे टैप करें फिर वो आपको, अगर वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी दिखाई दे जाएंगे नीचे, मोबाइल की स्क्रीन पे टैप करें आप तो आपको नीचे जो है वो दिखाई दे जाएंगे। नहीं हो पा रहा है। I think now it's all right. जी जी, now it's on. Now it's all right. Well, thank you very much, Ashish, to give me this opportunity. And I heard with rapt attention the whole discourse presented by Sudhirji. I think there is so much to learn and so much to practice. But you have made my task easier because you did mention about our constitution. The whole concept of constitutionalism, though we say that it has been borrowed from the West, you see, but its basic philosophy was laid down in our own classical tradition when it is said that dharma is the king of kings, you see. This is the underlying philosophy of constitutionalism as distinct from the Western philosophy where the law is a command of a sovereign, you see.
So we have gone beyond that. But now the predicament is that we have defined our constitution in a new concept, which we call it as the basic structure doctrine of the constitution. But what is this basic structure doctrine? We have been struggling hard to find out. But now, after listening to discourse of Sudhirji, I think in order to understand this basic concept of basic structure of the doctrine, we have to go to the concept of dharma, where we say dharma is the king of kings. So here, why dharma? Dharma is not in a narrow parochial sense of religion, but it means there are certain basic foundational principles of life. And these principles have evolved over ages, you see. And in fact, when we say, what is the basic material of sources of Vedas, probably here also we say that ultimately it is traced to the customs and practices, you see, at the time. So they have been evolving all the time. And when coming down to the modern period, and we are talking about the commentaries on these Dharma Shastras of Shrutis and Smritis, we talk about these commentaries of Mitakshara and Dayabhaga, which were reflecting of the needs of the time, you see. So similarly, through these commentaries, we can draw a lot of sustenance that how those people interpreting the same basic material drew the entirely different conclusions which needed suited to the age of time, you see. So probably the basic structure doctrine, we have to go back to the classical tradition of dharma and see that how those fundamental principles evolved and keep on evolving, you see. I think this is the kind of a message which I would like to share with you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ये चीज चाहिए और अपेक्षा भी मेरी यही है. और बहुत जल्दी अपकमिंग एक वेबिनार है और उसमें मुझे आपसे संपर्क करूंगा कि व्हाट इज भारतीय एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आपका वक्तव्य हम लोग आयोजित करें, तो उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा. और डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे साथ अगर अभी जुड़े हुए हैं तो आपसे भी मेरा एक निवेदन है डॉक्टर राजेंद्र जी कि एक जी सर, मैं एक बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई बॉटनिस्ट मिला नहीं, हालांकि काफी बॉटनिस्ट मेरे संपर्क में रहे. मैं चाहता था कि आयुर्वेदिक बॉटनी के ऊपर अगर कोई वक्तव्य आप दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी बॉटनी प्लांट्स को जिस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी कैटेगराइजेशन की गई हैं और बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन एज सच जो है वो आयुर्वेदिक बॉटनी के नाम से हमें कोई आउटलाइंस नहीं मिल पाती. तो यदि आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रयास करें और एक वक्तव्य, चाहे छोटा ही हो, लेकिन अगर उसकी आउटलाइंस कुछ हमें ड्रॉ करके दे सकें तो मुझे मैं बड़ा आभारी हूँगा. वो मेरी बड़ी देर से इच्छा है, कम से कम जो है वो 12-14 साल पुरानी इच्छा है. तो हरियाणा के कई बॉटनिस्ट के साथ मैं संपर्क में हूँ, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे. तो मुझे मालूम नहीं कि भाई ये विषय कितना उचित रहेगा, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें. तो उचित है, लेकिन इसके लिए एक अधिकारी होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जो मैं अपने को नहीं समझता. और डॉक्टर वीरेंद्र जी से भी मेरा आग्रह है कि इस विषय को जब उनकी सुविधा है तो मैं जरूर लगभग अगले 2-1 हफ्ते में इसको लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक में मैं भारतीय मानस शास्त्र, जो इंडियन साइकोलॉजी के नाम जिसे कहा जाता है, वो टेक अप करना है. तो उसके बाद फिर मैं ये इस विषय की ओर भी आना चाहता हूँ. तो मुझे अनुमति दीजिए. ग्रेटफुल टू यू फॉर योर ऑफर. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. तो आज का ये वक्तव्य जो है, सुधीर जी, आपकी कोई लास्ट टिप्पणी
कुछ बात कहना चाहते हो इस सारे विषय के ऊपर? चलते चलते सर अनम्यूट करना पड़ेगा, सुधीर जी अपने को अनम्यूट कीजिए पहले। मेरा ये है कि जैसे समस्या ये हो जाती है कि जब हम तीन तीन, जैसे आप कहें कि अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत और पर साथ साथ और भक्ति पर ईस्टर्न वेस्टर्न, तो ये स्वाभाविक है कि उसमें बहुत कुछ नहीं निकल सकता। लेकिन केंद्र में जो चिंता है, इस पूरे विमर्श के केंद्र में एक चिंता है कि आफ्टर ऑल भारत की सारी ज्ञान परंपरा, और जो सबने यही इशारा किया कि वो उस ज्ञान परंपरा का समावेश जब भारत की ही शिक्षा में नहीं होगा तो प्रकारांतर से इसी प्रकार का होगा कि हम सडनली पोस्ट ह्यूमन हो गए। 12 बजे फेमिनिस्ट थे, 1 बजे पोस्ट फेमिनिस्ट हो गए, फिर ह्यूमनिस्ट थे, फिर पोस्ट, 1 बजे हम लेस्बियन थे, 1.5 बजे हम होमोसेक्सुअल हो गए, फिर क्यूर हो गए, बिकॉज हमें अपने अपने भाषण देने थे। यू नो, आपके पास कोई अपना तत्व दर्शन न होना, दैट इज टू से कि हम मिमिक मैन एंड विमेन बन गए। तो आपका प्रयास हमारा यही है कि ये कल्चर ऑफ मिमिक्री, ये जो नकलचीपन का है कि जो उन्होंने प्रभु सत्ताओं ने कह दिया वो प्रभु का ने कह दिया तो हमने ग्रहण कर लिया, वो चाहे कोई भी हो। जो आपने, आपके ने जो पुरोवाक लिखा है उसमें साफ लिखा है कि हम, हमारे यहाँ न्याय का सबसे पहली कोटी है वह है संशय, सबसे बड़े उस प्रमाण, प्रमाण के बाद सबसे दूसरे प्रयोजन और संशय। तो संशय तो हमें करना ही है, तो ये चीज तभी करेंगे जब आपने जैसा कहा कि भाई अपने को भी थोड़ा जानिए, अपनी परंपरा से जुड़िए, उसका कोई प्रामाणिक ग्रंथ पढ़िए और उसकी, मैंने कहा वोकैबुलरी और उसके प्रत्यय की कोश बनवाइए और वो फिर लोगों में वो, इसके अलावा मुश्किल है, इसके अलावा कठिन तो है, इसके अलावा कठिन है। नहीं तो जैसे कि उनके यहाँ आप सुश्रुत की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता ये क्यों नहीं पढ़ाई जाती, मानसोल्लास क्यों नहीं पढ़ाई जाती, आप क्यों, मतलब प्राथमिक रूप से आप अगर साइंस का व्यू कौन सा लेंगे, जो साइंस का वेस्टर्न 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो साइंस का थे, तो वो इतनी घातक है, वो साइंस की फिलोसफी ऑफ साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ साइंस एज इट इज प्रैक्टिस्ड। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूं उसने 5000 के टेस्ट मेरे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिखे, जिसमें से 1000 रुपया उसको कमीशन गया, क्योंकि उन टेस्ट का कोई मतलब नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो विज्ञान का वो विमर्श जिसमें विज्ञान अपने आप को सब कुछ चीजों का पेनासिया जिसे कहते हैं ना, हमारे पास सब है और फिर विज्ञान से बड़ा उसका जो पैशाचिक फॉर्म है वह भी है, तो उसके प्रति संवेदना क्या हमारा बताता है, ज्ञान हमारी परंपरा बता रही है कि नहीं, ये बात ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत नहीं, धन्यवाद आपका। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर शुचि स्मिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं गुलजारीलाल नंदा इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, तो उनका स्वागत भी है धन्यवाद भी है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़ पाए हैं शायद, लेकिन अनम्यूट कर लीजिए मैडम। बहुत देर से पूरी परिचर्चा को बहुत ही मन से सुन रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ समझने का, बड़े गूढ़ विषय हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे जहन में भी था, प्रोफेसर सुधीर जी आप जिस दृष्टिकोण के बुद्धिजीवी हैं, मैं, मुझे लगता है कि इंट्यूशन या अंतर दृष्टि, इसके ऊपर वेस्टर्न थिंकर्स क्या कह सकते हैं? जी ये पूरा एक विषय है, पूरा एक व्यापक विषय है, प्रतिभा जैसे अंतरदृष्टि, जिसकी प्रातिभ अंतरदृष्टि है, तो उस विषय को हमारी, हमारा जो पृष्ठभूमि है, हमारे जो दार्शनिक हैं वो शायद जितना अच्छा बता चुके हैं वो अनुकरणीय है। जी तो यही है, प्रयास यही है कि हम एक दूसरे के विषयों को समझ सकें, एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सकें, और ये बीज डालने वाली बात है। देखते हैं कि जैसे सुधीर जी ने का ये सारा प्रयास था, इतना उन्होंने जो मेहनत की है वो यही है कि हम कहीं पे ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में, कहीं कोई एकेडमिक डिस्कोर्स में कहीं कोई बीज डाल सकें और वो समय आने पे खिलें और एक पूरा का पूरा जो है डिस्कोर्स, भारतीय डिस्कोर्स बने जी।
अस्वीकार्य अस्वीकार्य कुछ नहीं है, सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन अपनी जमीन पे खड़े होके अपनी शब्दावली में अपनी परिभाषाओं में हम सब कुछ स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि भी हमारे पैर ही उखड़ जाएं ये नहीं मैं चाहता, बस इतना ही इस सारे का प्रयोजन है। जी, जी, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी मिलते हैं, लगभग 25-26 जो भी मुझे डेट अवेलेबल होगी उनके द्वारा, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र के द्वारा, तो भारतीय मानस शास्त्र के ऊपर हम बात करेंगे, उसका कोर्स डिजाइन करना है, उसकी शब्दावली डिजाइन करेंगे, और फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और प्रोफेसर वीरेंद्र जी और आयुर्वेदिक बॉटनी के ऊपर प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे आश्वस्त किया है, तो निश्चित रूप से हम उनको भी विषयों को लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हम दोबारा मिलेंगे। जी सुधीर जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, आपका पर्याप्त धन्यवाद तो कर ही नहीं पाया मैं, शायद कर भी नहीं सकते, क्योंकि जितना ज्ञान आपका व्यापक है वो अद्भुत है, सचमुच प्रणाम के योग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द मीटिंग।